आज हम लोग पीएलए स्कूल में कर्सर देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने पीएलए स्कूल में ट्रिगर देखा था। पीएलए स्कूल में कर्सर देखने के पहले आज तक हमने कहाँ पर कर्सर देखा है, मैं आपको दिखाता हूँ पहले। उससे हमको थोड़ी आइडिया मिलेगी कि पीएलए स्कूल में कर्सर क्या, कैसे क्रिएट करना है और कर्सर का बिहेवियर क्या होता है। एग्जाम्पल में मैंने लिया एडिटर। अब इस एडिटर में आपको कर्सर दिख रहा है, यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। अब ये लाइन नंबर 1 पे कर्सर है। मैं इसको लाइन नंबर 3, 4, 5, 6 वन बाय वन मैं हर लाइन के ऊपर में मूव कर सकता हूँ। फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी हम लोग जा सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन से भी हम लोग जा सकते हैं। या फिर देखो, अभी सपोज लाइन नंबर 5 है। अब ये कर्सर लाइन नंबर 5 में, मतलब यहाँ पर मैं लाइन नंबर 5 में टाइपिंग कर सकता हूँ। ये इस एडिटर में कर्सर के फीचर है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर लास्ट लाइन में अगर जाना है, मैं लास्ट लाइन में पहले कर्सर को लेके जाऊँगा और फिर उस लाइन में मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। मतलब कर्सर से हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्सर से हम लोग एक लाइन से दूसरे लाइन में मूव कर रहे हैं और जहाँ पर कर्सर होगा हम लोग उसी लाइन में क्या कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं। ये इस एडिटर के एग्जाम्पल में बताया। या फिर अगर एमएस वर्ड का अगर एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट करके रखा है। चलो यहाँ पर सपोज कर्सर, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कर्सर अभी कहाँ पर है, फर्स्ट रो पे कर्सर आ गए। मतलब मैं इस फर्स्ट रो में अभी एडिटिंग कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर लिखना होगा 111 तो मैं ऐसा 111 लिख सकता। अगर मुझे लास्ट रो में अगर जाना है, मैं लास्ट रो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए वापस कर्सर हाईलाइट हो रहा है, मैं यहाँ पर टाइपिंग कर सकता हूँ। क्लियर। मतलब कर्सर वाइज जहाँ पर कर्सर पॉइंट करेगा हम लोग उसी रो में हम लोग डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। अभी मैंने लाइन नंबर 3, मतलब रो नंबर 3 में कर्सर था तो मैंने टाइपिंग किया, तो रो नंबर 3 में ही टाइपिंग होने वाला है। वैसे ही हम लोगों को क्या करना है पीएलए एसक्यूएल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एक टेबल आ गया। अब इस टेबल के ऊपर में, मतलब इस रिजल्टेंट टेबल के ऊपर में मुझे क्या लगाना है, कर्सर लगाना है। अब मैंने आपको एडिटर में कर्सर दिखाया है, वैसे ही कर्सर यहाँ पर दिखने वाला नहीं है, बट उसका बिहेवियर वैसा ही रहेगा। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में एक कर्सर क्रिएट करने वाला हूँ और ये कर्सर जिस रो में पॉइंट करेगा हम उसी रो को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। और रिट्रीव करने के बाद में अगर आपको प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर सकते हो, उसमें अगर कोई अपडेशन करना हो तो अपडेशन कर सकते हो, डिलीट करना हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। क्लियर है। बट एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना है, कर्सर मतलब डेफिनेशन वाइज कर्सर क्या एक पॉइंटर है, वो जिस रो को पॉइंट करेगा हम उसी रो के ऊपर में कोई भी वर्क कर सकते हैं। एट ए टाइम कर्सर एक ही रो को रिट्रीव कर सकता है। हम लूप लगा के वन बाय वन जितने भी रोज है सबको रिट्रीव भी कर सकते हैं। सो देखते हैं कैसा क्रिएट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, डायरेक्टली टर्मिनल में कुछ भी टाइप करना नहीं है, हम लोग एक एडिटर ओपन करेंगे और एडिटर में टाइप करने वाले हैं सब कुछ। कर्सर क्रिएट करने के लिए मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने फंक्शन देखा है कैसा क्रिएट किया है। मैंने आज डेटाबेस सर्वर वही पोस्टग्री एसक्यूएल लिया है। हम लोग ओरेकल में भी कर्सर क्रिएट कर सकते हैं, माई एसक्यूएल में भी कर्सर क्रिएट कर सकते हैं। कंसेप्ट वही रहने वाला है, सिर्फ सिंटेक्स का ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन नेम। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल के लिए मुझे कर्सर क्रिएट करना है। मतलब इस क्वेरी के लिए मुझे क्या करना है, कर्सर क्रिएट करना है। क्लियर है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करने से हमें क्या मिलेगा, एक टेबल मिलने वाला है। इस रिजल्टेंट टेबल के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एक वर्चुअल कर्सर क्रिएट करेंगे। सपोज मैंने एग्जांपल में फंक्शन का नेम लिखा है प्रिंट स्टूडेंट, रिटर्न, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो कलरफुल टाइप हो जाएगा। आप कोई भी नाम से सेव करो बट उसका एक्सटेंशन एसक्यूएल ही होना चाहिए। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया आप लोगों को, एडिटर में कुछ टर्मिनल में कुछ भी टाइप नहीं करना है, सब कुछ हमने क्या करना है, एडिटर में टाइप करना है। अभी मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने नोटपैड प्लस प्लस लिया है। अगर आप लिनक्स यूज़ करते होगे तो जी एडिट एडिटर यूज़ कर सकते हो या फिर वी आई एडिटर यूज़ कर सकते हो। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन प्रिंट स्टूडेंट और रिटर्न्स, चलो मैं इंटीजर रिटर्न करके देखता हूँ अभी पहले, एज
लैंग्वेज PLPG SQL। फॉर्मेट फंक्शन का पहले क्रिएट कर लेना है, डिक्लेयर बिगिन एंड सेमी कोलन। देखो अभी कर्सर क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कर्सर को क्या करना है, डिक्लेयर करना है। सो कर्सर डिक्लेयर करना है, कर्सर किसके लिए डिक्लेयर करना है, कर्सर मुझे इस क्वेरी के लिए डिक्लेयर करना है, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इससे जो टेबल रिजल्ट में आने वाला है, इस रिजल्ट सेट के लिए, इस रिजल्ट सेट के लिए मुझे क्या करना है, कर्सर क्रिएट करना है। कर्सर क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स है, पहले कर्सर का नेम लिखना है, आप कोई भी नेम लिख सकते हो, ABCD, सपोज मैंने लिखा C1, इसके बाद लिखना है कर्सर फॉर, मतलब हमें क्या करना है, एक कर्सर क्रिएट करना है, कर्सर का नेम क्या रहेगा, C1, और कर्सर किसके लिए क्रिएट करना है, कर्सर इस रिजल्टेंट टेबल के लिए क्रिएट करना है, और ये रिजल्ट किसके बेसिस पे आने वाली है, क्वेरी के बेसिस पे आने वाली है। जनरली हम कभी भी अगर SQL में सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है, इंसर्ट से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, डिलीट से रिजल्ट नहीं मिलने वाला, अपडेट से रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, बट सिलेक्ट से हमें क्या मिलने वाला है, एक रिजल्ट मिलने वाला है। उस रिजल्ट में, उस रिजल्टेंट टेबल के ऊपर में क्या करना है, एक कर्सर क्रिएट करना है। सो उससे क्या फ़ायदा होगा, कर्सर जिस रो में पॉइंट करेगा हम उस रो को क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, देखते चलो कैसा होगा। सो C1 कर्सर फॉर क्वेरी लिखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। जैसे ही आप ये कर्सर डिक्लेयर करोगे, उसके बाद में स्टेप नंबर टू में करना है हमें कर्सर को ओपन करना है। कर्सर को ओपन करने के लिए सिंटैक्स से ओपन और फिर कर्सर का नेम लिखना है। सो जैसे ही आप कर्सर डिक्लेयर करोगे और उसको ओपन करोगे तो देखो क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिया है, जैसे ही आप कर्सर क्रिएट करोगे, मतलब डिक्लेयर करोगे एंड ओपन करोगे, इमीजिएटली इस रिजल्टेंट टेबल के लिए यहाँ पर एक कर्सर आ जाएगा, एंड कर्सर का स्टार्टिंग पोजीशन फर्स्ट रो में नहीं रहता कभी भी, वो फर्स्ट रो के पहले पॉइंट करेगा। ठीक है, जैसा नोटपैड में कर्सर दिखता है, फिर MS वर्ड में कर्सर दिखता है, वैसा कर्सर यहाँ पर दिखने वाला नहीं है, उसे मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया आप लोगों को। सो C1 कर्सर हमने क्रिएट किया है, और ये C1 कर्सर का स्टार्टिंग लोकेशन कहाँ पर रहेगा, फर्स्ट रो के पहले रहने वाला है। ठीक है, और ये कर्सर हम लोगों ने किसके लिए क्रिएट किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब इस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिजल्ट के लिए, इस क्वेरी के रिजल्ट के लिए मैंने क्या क्रिएट किया है, C1। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन कर्सर को इस टेबल में मूव करना है, और जिसको भी, जिस किसी भी रो को हमें प्रिंट करना होगा, हम उसको रिट्रीव करके प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फर्स्ट रो रीड करना है तो देखो हम कैसा करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा फेच। अब क्या फेच करना है, फर्स्ट रो फेच करना है, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा फेच फर्स्ट। जैसे ही हम लोग फेच फर्स्ट लिखेंगे, ये कर्सर फर्स्ट रो को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फेच फर्स्ट फ्रॉम C1 कर्सर, और इस रो को फेच करके मुझे क्या करना है, इसको रिट्रीव करना है। यहाँ पर मुझे एक टेम्प्ररी रो क्रिएट करनी है, इसका डेटा इसके अंदर में कॉपी हो जाना चाहिए। इसे रोल नंबर क्या है 1, नेम यहाँ पर लिखा है AAA, एंड मार्क्स क्या है 55। ये हो गया रोल, नेम एंड मार्क्स। सो ये टेम्प्ररी रो, मतलब एक रिकॉर्ड है, इसको क्रिएट करने के लिए डेटा टाइप होता है हमारे पास में रिकॉर्ड। सो हम लोग C1 से रिट्रीव करके इस रिकॉर्ड में स्टोर करने वाले हैं। पहले मैं इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल R1, इसका डेटा टाइप क्या रखना है, रिकॉर्ड। कोई भी टेबल का रो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका नेम क्या है, R1। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था, स्टेप नंबर 1 में कर्सर डिक्लेयर किया था। इसके लिए डिक्लेयर किया था कर्सर मैंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इस क्वेरी के लिए मैंने कर्सर डिक्लेयर किया है। इसके बाद मैंने कर्सर ओपन किया है। जैसे कर्सर आप ओपन करोगे, कर्सर टेबल के फर्स्ट रो के पहले पॉइंट करता है, मतलब बिफोर फर्स्ट पे पॉइंट करता है। और स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, कर्सर जहाँ भी पॉइंट करेगा उस रो को हमें क्या करना है, रीड करना है।
सो रीड डेटा फ्रॉम कर्सर। सो रीड करने के लिए मैंने आपको बताया क्या लिखना है, फेच। क्या रीड करना है? फर्स्ट रो फेच करना है, फर्स्ट रो रीड करना है। कहाँ से रीड करना है? कर्सर से। कर्सर अभी यहाँ पर फर्स्ट रो पे पॉइंट करेगा और इसको क्या करना है, इस आर वन रो में स्टोर करना है। इसके लिए यहाँ पर लिखना है फेच फर्स्ट फ्रॉम सी वन इंटू आर वन। सो फर्स्ट रो का डेटा आर वन में स्टोर हो जाएगा। फिर अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो हम प्रिंट करने के लिए आपको पता है क्या लिखना है, रेज नोटिस। रेज नोटिस करके अगर आपको रोल नंबर प्रिंट करना है तो यहाँ पर मैं परसेंटेज लगाने वाला हूँ, टू टाइम सिंगल कोट। ये कोई डबल कोट्स नहीं है, टू टाइम सिंगल कोट आर वन का रोल नंबर मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अगर आपको मार्क्स प्रिंट करना है या तो सेम लाइन में प्रिंट करो या फिर नेक्स्ट लाइन पे रेज नोटिस टू टाइम सिंगल कोट। चलो हम दोनों प्रिंट कर देते हैं, नेम एंड मार्क्स। सॉरी एस नहीं लिखना है, आर वन डॉट। पहले नेम प्रिंट करना है तो आर वन डॉट नेम और फिर आर वन डॉट मार्क्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर। एंड टास्क कंप्लीट होने के बाद में कर्सर को क्या करना है, क्लोज कर देना है। सो कर्सर के ये फोर स्टेप्स आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है? देखते हैं चलो कैसे करेंगे। स्टेप नंबर वन, हमने कर्सर डिक्लेयर किया है। स्टेप नंबर टू, हमने कर्सर ओपन किया है। अब यहाँ से क्या करना है, सॉरी, फर्स्ट रो फेच करना है। सो फेच फर्स्ट फ्रॉम कर्सर नेम। कर्सर नेम मैंने क्या लिखा है, सी वन। कहाँ पर स्टोर करना है? टेम्प्ररी मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है, उसका नेम क्या लिखा है, आर वन। डन। और इसको क्या करेंगे, अभी हम प्रिंट करेंगे। चलो रेज नोटिस टू टाइम्स सिंगल कोट। चलो यहाँ पर मैं एक मैसेज लिखता हूँ, रोल नंबर इज, या फिर रोल नंबर कोलन परसेंटेज आर वन। अभी इस आर वन में जो भी रोल नंबर स्टोर हो गया उसको प्रिंट कर, आर वन डॉट रोल। चलो फिर से देखते हैं, अगर मुझे प्रिंट करना है नेम परसेंटेज आर वन डॉट नेम, रेज नोटिस टू टाइम्स सिंगल कोट मार्क्स परसेंटेज आर वन डॉट मार्क्स। जो भी कॉलम का नेम रहेगा वही कॉलम का नेम आपको लिखना है। इस रिजल्टेंट टेबल में जैसा रोल नंबर, रोल नेम एंड मार्क्स का स्पेलिंग लिखा है वही स्पेलिंग यहाँ पर आ जाती है। चलो टास्क कंप्लीट हो गया है। स्टेप नंबर थ्री, हमने डेटा रीड कर लिया कर्सर से। इसके बाद क्या करना है, कर्सर को क्लोज करना है। कर्सर को क्लोज करने के लिए क्या लिखना है, क्लोज एंड देन कर्सर का नेम, दैट इज सी वन। टास्क कंप्लीट। अब इस फंक्शन को हम लोग रन करके देखते हैं। हम लोगों का टारगेट किया था इस रिजल्ट क्वेरी के लिए, मुझे एक कर्सर क्रिएट करना था। हमने कर्सर क्रिएट किया, उसको फिर फर्स्ट रो में हमने मूव किया एंड मूव करने के बाद में हमने उस फर्स्ट रो को रिट्रीव करके एक टेम्प्रेरी रिकॉर्ड में स्टोर किया और फिर हमने उसको प्रिंट किया। एंड टास्क कंप्लीट होने के बाद में कर्सर हमने क्लोज किया। सो देखते रन करके, फिर इसको कॉपी कर लेना है एंड टर्मिनल में पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट हो गया फंक्शन क्रिएट। अब इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। सिलेक्ट, फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या लिखना है, सिलेक्ट। फंक्शन का नेम क्या लिखा है, प्रिंट स्टूडेंट। अभी देखो इसमें एक सिली मिस्टेक है, हमने एक लाइन अभी तक लिखी नहीं है। हमने रिटर्न डेटा टाइप क्या लिखा है, इंट। तो आपको कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आपको रिटर्न नहीं करना है, हम रिटर्न्स वॉइड लिख सकते हैं यहाँ पर। पहले विदाउट रिटर्न करके देखते हैं, फिर विद रिटर्न करेंगे। ड्रॉप कर लेते हैं फंक्शन को, ड्रॉप प्रिंट, ड्रॉप फंक्शन प्रिंट स्टूडेंट, फिर से कॉपी एंड पेस्ट। हो गया फंक्शन क्रिएट। अभी फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या रखना है, सिलेक्ट। फंक्शन का नेम मैंने लिखा था प्रिंट स्टूडेंट। देखो यहाँ पर टेबल का फर्स्ट रो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अगर आपको टेबल का आंसर देखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पर फर्स्ट रो में क्या लिखा था, रोल नंबर वन, नेम ट्रिपल ए एंड मार्क्स 55, एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो गया। क्लियर। चलो अब मुझे क्या करना है, अभी फर्स्ट रो तो हमने प्रिंट किया है इसके थ्रू। अब मुझे क्या करना है, कर्सर को लास्ट रो में मूव करना है और लास्ट रो प्रिंट करके देखना है।
सो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, जहाँ पर हमने ये फेज फर्स्ट लिखा था, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फर्स्ट, अभी फर्स्ट नहीं करना है, फर्स्ट की जगह में क्या लिखना है, लास्ट। अगर आपने फेज लास्ट किया, इमीजिएटली कर्सर कर्सर लास्ट रो को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए सब लोग बोलते हैं कर्सर इज नथिंग बट अ पॉइंटर वेरिएबल विच कैन रिट्रीव अ रो एट अ टाइम, ओनली वन रो। अब ये लास्ट रो को पॉइंट कर रहा है, अब इस लास्ट रो को हम लोग क्या करेंगे, फेच करके, फेच लास्ट फ्रॉम दिस कर्सर सी वन इंटू आर वन। अब इस आर वन में लास्ट रो का डेटा हम लोग स्टोर कर लेते हैं। सो लास्ट रो का डेटा अभी इसके अंदर में आ जाएगा। क्या लिखा है, 6, नेम क्या लिखा है, ट्रिपल एफ, एंड मार्क्स कितना लिखा है, 47। और इसको अब हम प्रिंट करके देखते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट रो तो प्रिंट किया ही है, इसी के आगे हम लोग क्या करते हैं, फिर से कर्सर ओपन करना होगा, फिर से कर्सर ओपन कर सकते हो। फेच लास्ट फ्रॉम सी वन इंटू आर वन, जैसे ही डेटा आर वन में स्टोर हो जाएगा, हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं और इस बार लास्ट रो प्रिंट करके देखते हैं। या फिर एक ही लाइन में अगर प्रिंट करना होगा तो हम एक ही लाइन में प्रिंट कर लेते हैं विदाउट एनी मैसेजेस, 3 times% आर वन डॉट रोल, आर वन डॉट नेम, आर वन डॉट मार्क्स। अभी देखते हैं क्या होगा। चलो इसको क्या करना है, कॉपी पेस्ट। अब लास्ट रो क्या है, 6 FFF 47। पहले फर्स्ट रो प्रिंट होगी, उसके बाद में लास्ट रो प्रिंट होगी। फंक्शन क्रिएट हो गया, फंक्शन कॉल करते हैं, सिलेक्ट, फंक्शन का नेम लिख रहा है मैंने प्रिंट स्टूडेंट। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फर्स्ट रो प्रिंट किया था, इसके बाद में ये लास्ट रो प्रिंट हो गया। देन देखो जनरली फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप वॉइड हम लोग कर सकते हैं, बट फंक्शन शुड रिटर्न समथिंग। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो मैं यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप क्या करता हूँ, इंट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, स्टार्टिंग में काउंटर का वैल्यू सपोज क्या रहेगा, 0। और हम जितने भी रोज प्रिंट करेंगे हम साइड बाय साइड काउंटिंग करेंगे और उसी को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो प्रिंट करने के बाद में काउंटर मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, एंड सेकेंड रो प्रिंट करने के बाद में भी काउंटर इंक्रीमेंट कर देते हैं, एंड टास्क कंप्लीट करने के बाद में हम इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न काउंटर। सो क्या रिटर्न करेगा, 2 रोज प्रिंट किया तो 2 रिटर्न करेगा। अगर आपने रिटर्न डेटा टाइप अगर चेंज किया है या फिर पैरामीटर चेंज किया है तो आप फंक्शन रिप्लेस नहीं कर सकते, पहले आपको प्रीवियस फंक्शन डिलीट करना पड़ेगा। ड्रॉप फंक्शन प्रिंट स्टूडेंट, फंक्शन डिलीट हो गए, इसके बाद आप न्यू फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। देखो हो गए फंक्शन क्रिएट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूँ, सिलेक्ट प्रिंट स्टूडेंट। देखो यहाँ पर फर्स्ट रो प्रिंट हो गई पहले, और इसके बाद में लास्ट रो प्रिंट हो गया, और हमने क्या रिटर्न किया था, 2। सो यहाँ पर आंसर में आ गए 2। क्लियर। चलो देखते हैं और कर्सर में क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। जैसा कर्सर मैंने पहले फर्स्ट रो में मूव किया था, इसके बाद में डायरेक्टली लास्ट रो में मूव किया, अब मुझे क्या करना है, कर्सर अगर अभी करंट में कर्सर अगर लास्ट रो में, मुझे उस कर्सर के एग्जैक्टली पहले वाली रो क्या करनी है, प्रिंट करनी है। सो जहाँ भी कर्सर होगा उसके पहले का अगर डेटा अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पर फेच फर्स्ट एंड लास्ट की जगह यहाँ पर क्या लिखना है, फेच प्रायर लिखना है। सो इसके पहले वाले रिकॉर्ड हम इन लोग क्या कर सकते हैं, अभी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप फेच प्रायर करोगे तो जहाँ भी आपका कर्सर होगा उसके पहले वाले रिकॉर्ड, अभी यहाँ पर ये 6 FFF 47 था, अब यहाँ पर फाइव नंबर रिकॉर्ड अभी इसके अंदर में स्टोर हो जाएगा। कर्सर अभी कहाँ पर चले जाएगा, कर्सर इसके पहले चले जाएगा, यहाँ पर आ गया कर्सर।
और इस रो को अभी हम क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे। इस बार आंसर क्या आना चाहिए, 5EEE and 35। देखते कैसा होगा। ये हमने फेच लास्ट किया है, फेच लास्ट करने के बाद में फेच प्रायर करता हूँ, फेच प्रायर फ्रॉम C1 इंटू R1 एज इट इज प्रिंट करते हैं। यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिस इज नथिंग बट आर सेकेंड लास्ट रो। यहाँ पर हमने लास्ट रो प्रिंट कर दी। अब देखते क्या आंसर आएगा। कॉपी एंड पेस्ट। फंक्शन क्रिएट हो गए। देखो पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब फंक्शन कॉल करना है, सिलेक्ट, फंक्शन का नेम लिखा था मैंने प्रिंट स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट रो प्रिंट होगी, पहले फर्स्ट रो, फिर लास्ट और फिर सेकंड लास्ट। देखो यहाँ पर फर्स्ट रो क्या है, 1AAA, लास्ट रो 6AAA एंड सेकंड लास्ट रो क्या है, 5AAA। मतलब अभी कर्सर कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, कर्सर सेकंड लास्ट रो में पॉइंट कर रहा है। चलो अभी अगर कर्सर मुझे क्या करना है, एग्जैक्टली 3 नंबर रो को पॉइंट करना है। अगर आपको फिक्स रो नंबर अगर प्रिंट करना है, सबसे पहले कर्सर आपको वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, फेच प्रायर यूज़ नहीं करना है, अभी हम लोग यूज़ करेंगे फेच एब्सोल्यूट। अगर आपको 3 नंबर रो में जाना तो यहाँ पर लगना फेच एब्सोल्यूट 3। सो इमीडिएटली कर्सर 3 नंबर रो के पास में चला जाएगा और 3 नंबर रो का डेटा रिट्रीव करके इस R1 के अंदर में क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब कर्सर, अभी कर्सर कहाँ पर है, रो नंबर 3 में। सो यहाँ पर 3CCC and 70। चलो देखते हैं अभी रो नंबर 3 का डेटा प्रिंट करना है। क्या लिखना है, फेच एब्सोल्यूट 3 फ्रॉम कर्सर नेम इनटू R1 एज इट इज, सेम लाइन प्रिंट करना है हमें। चलो इस बार यहाँ पर मैं मैसेज लिख रहा हूँ थर्ड रो, थर्ड नंबर वाला रो प्रिंट करेंगे। कॉपी एंड पेस्ट, हो गया फंक्शन क्रिएट। फंक्शन कॉल करना है, सिलेक्ट प्रिंट स्टूडेंट, आ गया थर्ड नंबर वाला रो, 3CCC and 70। डन। अभी कर्सर कहाँ पर है, अभी थर्ड नंबर रो में। जैसा हमने प्रायर किया है वैसे नेक्स्ट भी आता है। अगर अभी आपको थर्ड नंबर रो, अभी कर्सर थर्ड नंबर रो में, उसके बाद वाली रो अगर प्रिंट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर एब्सोल्यूट लिखा है वहाँ पर क्या लिखना है, नेक्स्ट। सो करंट कर्सर से वो क्या करेगा, नेक्स्ट रो में मूव करेगा और इस रो का डेटा अभी हम लोग क्या करेंगे, फेच करेंगे। अभी यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 3CCC and 70 इस बार क्या आ जाएगा, 4DDD and 80 आ जाएगा। देखते हैं, देखो यहाँ पर 3 नंबर रो में है कर्सर, अभी मैं करने वाला हूँ फेच नेक्स्ट फ्रॉम C1 इनटू R1। यहाँ पर मैं मैसेज लिखता हूँ नेक्स्ट टू, या फिर आफ्टर थर्ड रो लिख देता हूँ, आफ्टर थर्ड रो, देखते क्या प्रिंट होगा। कॉपी एंड पेस्ट, हो गया फंक्शन क्रिएट।
सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट प्रिंट स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर आफ्टर थर्ड रो क्या प्रिंट हुआ है, 4DDN80। मतलब अभी आपका कर्सर कहाँ पर है, फोर्थ नंबर रो में। डन। तो कितने सारे ऑप्शन से पहले मैं आपको बता देता हूँ फेच के आगे में। आप फेच के थ्रू आप फर्स्ट रो फेच कर सकते हो, लास्ट रो फेच कर सकते हो, किसी भी एक सिलेक्टेड रो नंबर में अगर जाना है तो आपको लिखना है एब्सोल्यूट। फॉर एग्जांपल अगर फोर्थ नंबर रो में जाना है तो आप फोर लिख सकते हो। अब जहाँ भी आपका करंट कर्सर होगा उसके पहले या फिर उसके बाद की वाली अगर रो अगर आपको प्रिंट करनी है, सो आप नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट रो प्रिंट करने के लिए करना है नेक्स्ट, या फिर उसके पहले वाले रो प्रिंट करने के लिए क्या लिखना है, प्रायर लिखना है। क्लियर। या फिर अभी और भी इसमें एक ऑप्शन है रिलेटिव। इस रिलेटिव से क्या होगा, जहाँ भी आपका करंट कर्सर है उस करंट कर्सर से हम लोग एक रो पहले या फिर दो रो पहले भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी करंट में हमारा कर्सर 3 के नेक्स्ट में, मतलब फोर्थ नंबर रो को पॉइंट कर रहा है, करंट कर्सर अभी यहाँ पर है। मुझे क्या करना है, इस करंट कर्सर के अकॉर्डिंगली, इस करंट कर्सर के अकॉर्डिंगली मुझे एग्जैक्टली इसके दो रो पीछे जाना है और यह सेकंड नंबर रो को क्या करना है, प्रिंट करना है। सो करंट कर्सर के अकॉर्डिंगली इसके लिए हमें क्या लिखना है, रिलेटिव। यहाँ पर फेच क्या लिखना है, रिलेटिव। सो रिलेटिव क्या करेगा, करंट कर्सर से कैलकुलेशन करेगा, मुझे दो बार क्या करना है, उसके दो रो क्या करना है, पीछे जाना है। सो पीछे जाने के लिए यहाँ पर -2 करना है। अगर आपको दो रो अगर आगे जानी है तो यहाँ पर क्या लिखना है, +2 करना है। ठीक है, पहले मैं प्रीवियस प्रिंट करके दिखाता हूँ। फेच रिलेटिव -2। सो इससे क्या होगा, फोर्थ नंबर रो से -2 करके कहाँ पर चला जाएगा, सेकेंड रो में चला जाएगा। फ्रॉम C1 इंटू R1। देखते हैं अभी क्या प्रिंट होगा। यहाँ पर मैसेज में क्या लिखेंगे, हम कहाँ से फोर्थ नंबर रो से रिलेटिव यूज किया हमने, -2 रिलेटिव फ्रॉम फोर्थ रो, मैंने ऐसा लिखा। इसका मीनिंग क्या है, फोर्थ रो से -2 सब -2 करके सेकंड रो में चले जाएगा। देखो फंक्शन क्रिएट हो गए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट फंक्शन का नाम है प्रिंट स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप एनालिसिस करो। देखो सबसे पहले हमने रो नंबर 1 प्रिंट किया था, फिर इसके बाद में लास्ट रो प्रिंट किया है, लास्ट रो के बाद में हमने प्रायर यूज़ करके सेकंड लास्ट रो प्रिंट किया था, फिर इसके बाद हमने एग्जैक्टली एब्सोल्यूट यूज़ करके थर्ड नंबर रो प्रिंट किया था, फिर थर्ड नंबर की नेक्स्ट रो प्रिंट की थी, दैट इज़ फोर्थ नंबर रो, एंड फोर्थ नंबर रो से हमने क्या किया, -2 कर दिया, मतलब कर्सर कहाँ पर चल जाएगा, सेकंड नंबर रो में चल जाएगा। एंड सेकंड नंबर रो का डेटा क्या है, 2BBN65। वैसे अभी चलो कर्सर अभी सेकंड नंबर रो में, अगर मैंने यहाँ पर रिलेटिव किया, रिलेटिव करके अगर मैं यहाँ पर +3 अगर करता हूँ तो कहाँ पर आ जाएगा, 5 नंबर रो में आ जाएगा और 5 नंबर रो प्रिंट होगा। देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, फेच रिलेटिव 3 फ्रॉम C1 इनटू R1। अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 relative फ्रॉम सेकेंड रो। अब हमारा कर्सर सेकेंड रो में, सो सेकेंड रो में 3 ऐड हो जाएगा, मतलब 5th नंबर रो अभी प्रिंट होनी चाहिए। चलो कॉपी एंड पेस्ट हो गया, फंक्शन क्रिएट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखो आप यहाँ पर सिलेक्ट प्रिंट स्टूडेंट, अब एनालिसिस करके देखते हैं। चलो आ गए यहाँ पर
थ्री रिलेटिव फ्रॉम सेकेंड रो, मतलब सेकेंड रो में हमारा कर्सर पहले था उसमें थ्री हमने ऐड किया, मतलब फिफ्थ नंबर रो के पास में आ गए एंड फिफ्थ नंबर रो अभी यहाँ पर प्रिंट हो गए। क्लियर है? फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, प्रायर, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट के आगे में कोई भी एक नंबर लिखना है एग्जैक्टली उसी रो नंबर के पास में चला जाएगा, एंड रिलेटिव के आगे में भी कोई भी एक नंबर लिखना है रिलेटिव, करंट कर्सर में करंट कर्सर के थ्रू कैलकुलेशन करेगा। डिफरेंस इसमें देख लो फिर से एक बार, अगर एब्सोल्यूट फोर का मतलब है फोर्थ रो में जाना है, करंट कर्सर कहीं भी रहने तो वो डायरेक्टली फोर्थ रो में चला जाएगा, बट अगर हमने एब्सोल्यूट अगर एब्सोल्यूट की जगह में रिलेटिव अगर फोर अगर लिखा, सो अगर आपका करंट कर्सर अगर टू में अगर है, सो टू प्लस फोर टोटल कितना हो जाएगा सिक्स, तो ये कहाँ पर चला जाएगा सिक्स रो में चला जाएगा। क्लियर? देखो जैसा हम लोग फेच करते हैं वैसे ही हम लोग मूव भी कर सकते हैं। अगर आपको कर्सर की वैल्यू, कर्सर जिस रो को पॉइंट करेगा उसको प्रिंट नहीं करना है बट कर्सर को जस्ट वहाँ पर क्या करना है शिफ्ट करना है, तो इंस्टेड ऑफ फेच आपको क्या करना है मूव करना है। इसके लिए भी वही ऑप्शन है, फर्स्ट, लास्ट, एब्सोल्यूट, नेक्स्ट, प्रायर और रिलेटिव, इसमें एक्स्ट्रा भी एक आता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इससे क्या कर सकते हैं, देखो अभी कर्सर हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली अभी करंट में कर्सर हम लोग कहाँ पर लेके गए, देखो सेकंड रिलेट थ्री रिलेटिव फ्रॉम सेकंड रो, मतलब अभी हमारा कर्सर कहाँ पर है फिफ्थ नंबर रो में। अब मुझे क्या करना है, कर्सर फिफ्थ नंबर रो से डायरेक्टली कहाँ पर मूव करना है फर्स्ट रो में मूव करना है, बट उसको फेच नहीं करना है, सिर्फ कर्सर को क्या करना है मूव करके लेके जाना है। तो जहाँ पर हमने फेच लिखा है वहाँ पर अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे मूव लिखना पड़ेगा, कहाँ पर लेके जाना है फर्स्ट में लेके जाना है। तो ये कर्सर सिर्फ फर्स्ट रो में चले जाएगा बट उससे कोई डेटा फेच नहीं करने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पर मूव फ्रॉम मूव फर्स्ट फ्रॉम C1 यहाँ पर स्टोर नहीं करना है कुछ भी। देखो अभी कैसे करेंगे, मूव फर्स्ट फ्रॉम C1, सो कर्सर अभी कहाँ पर चले गए फर्स्ट रो पे चले गए। अगर इसके बाद में मूव फर्स्ट फ्रॉम C1 लिखने के बाद में अब मुझे क्या करना है, इसके आगे वाली रो अगर प्रिंट करनी है, सो कर्सर अभी यहाँ पर आ गए, मूव फ्रॉम फर्स्ट, मूव फर्स्ट फ्रॉम C1, अभी मैं यहाँ पर ले सकता हूँ आफ्टर मूव फेच नेक्स्ट फ्रॉम C1 इनटू R1। सो इससे क्या होगा, पहले हम फर्स्ट रो पे मूव किए उसके बाद में कर्सर को हमने क्या किया सेकंड रो फेच करने के लिए बोला है, मतलब कर्सर अभी कहाँ पर आ जाएगा सेकंड रो के पास में आ जाएगा और हम इस सेकंड रो का डेटा R1 में स्टोर कर लेंगे। देखते प्रिंट करके, फेच नेक्स्ट फ्रॉम C1 इनटू R1। देखो मूव से हमने सिर्फ फर्स्ट रो में मूव किया है, यहाँ पर फर्स्ट रो का डेटा हम लोग रिट्रीव नहीं करने वाले, उसके आगे वाले रो का डेटा हम लोग क्या करेंगे रिट्रीव करेंगे। तो यहाँ पर मैं मैसेज लिखता हूँ नेक्स्ट रो आफ्टर मूविंग टू फर्स्ट रो, ठीक है, चलो देखते हैं, कॉपी एंड पेस्ट हो गया, फंक्शन क्रिएट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फंक्शन कॉल करना है सिलेक्ट प्रिंट स्टूडेंट। देखो अभी क्या आंसर आया, हम लोग यहाँ पर थे फिफ्थ नंबर रो में, फिफ्थ नंबर रो से हमने क्या किया फर्स्ट नंबर रो में हमने क्या किया था मूव किया था बट उसको रिट्रीव नहीं किया, इसके आगे वाले रो को हमने क्या किया रिट्रीव किया, इसका आंसर क्या आएगा 2BBN65। सो फेच एंड मूव में ये डिफरेंस है, फेच मूव भी करता है एंड रिट्रीव भी करता है बट मूव क्या करेगा सिर्फ मूव करने वाला है वहाँ पर रिट्रीव नहीं कर सकता।
अभी कर्सर कहाँ पर आ गया, सेकंड रो। अगर इस सेकंड रो से मुझे 3 स्टेप्स आगे क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, मतलब ये 2 के बाद में डायरेक्टली वो कहाँ पर आना चाहिए, 3 स्टेप्स के बाद में 5th नंबर रो के पास में आना चाहिए, तो ये फॉरवर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा यहाँ पर फॉरवर्ड 3, मतलब ये रिलेटिव के जैसा वर्क कर रहा है। रिलेटिव में अगर अगर हमने यहाँ पर लिखा रिलेटिव 3 है, तो 2 + 3 कितना होने वाला है, 5 होने वाला है। एज इट इज़ अगर फॉरवर्ड 3 भी अगर आप करोगे, तो ये 2 उसके आगे 3 रो क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, एंड कर्सर कहाँ पर आ जाएगा, 5th नंबर रो के पास में आ जाएगा। देखते हैं चलो, यहाँ पर अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, मूव फॉरवर्ड 3 फ्रॉम C1। सो कर्सर 5th नंबर रो में आ गए। अगर आपको उसके पहले वाली रो अगर प्रिंट करने, तो क्या लिखोगे, फेच प्रायर फ्रॉम C1 इनटू R1। चलो देखते हैं अभी, यहाँ पर अभी मैसेज हम लोग लिखेंगे, आफ्टर मूविंग फ्रॉम सेकेंड रो टू 5th रो, प्रायर रो आफ्टर मूविंग फ्रॉम सेकेंड रो टू 5th रो। देखते हैं आंसर। कॉपी एंड पेस्ट, फंक्शन क्रिएट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट प्रिंट स्टूडेंट। सो देखो अभी यहाँ पर देखो, ये 5th नंबर रो में हम लोग आए थे। 5th नंबर रो के बाद में हम कहाँ पर चले गए थे, 5th नंबर रो में, 5th नंबर रो से मैं 1st रो के पास में लेके गया था, उसके बाद में 2nd रो मैंने प्रिंट किया था। अब इस 2nd रो से हमने क्या किया है, 3 टाइम्स फॉरवर्ड किया, मतलब अभी कर्सर कहाँ पर आ गया था, 5 नंबर, और इस 5 नंबर के एग्जैक्टली पहले वाला रो हमने प्रिंट किया है, आफ्टर मूविंग फ्रॉम सेकेंड टू 5th रो, उसके पहले वाले रो हमने प्रिंट किया, दैट इज 4DD80। क्लियर है? तो जैसा हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग बैकवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको कर्सर के थ्रू रैंडमली एक टेबल में इटरेट कैसा करना है, ये मैंने आपको बताया। अगर आपको रैंडमली अगर डेटा इटरेट अगर नहीं करना है, आप सिक्वेंशली डेटा भी इटरेट कर सकते हो, उसके लिए आपको एक लूप लगाना पड़ेगा। हम लोग कर्सर स्टार्टिंग लोकेशन से लेकर लास्ट रो तक हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, बट यूजिंग अ लूप। देखते कैसा होगा। चलो एक न्यू फंक्शन लिख रहा हूँ मैं अभी, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन प्रिंट स्टूडेंट 1। रिटर्न्स इंट एज सिंगल कोट लैंग्वेज PLPG SQL, देन डिक्लेयर बिगिन एंड एंड सेमी कोलन। सो स्टेप नंबर 1, इस बार हमें क्या करना है, कर्सर क्रिएट करना है, और फिर 1 by 1 जितने भी रोज है सबको रिट्रीव करके प्रिंट करना है। सो यहाँ पर देखो, अगेन मैंने स्टेप्स लिखा है। स्टेप नंबर 1, डिक्लेयर अ कर्सर फॉर अ सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस क्वेरी के लिए मुझे क्या करना है, कर्सर डिक्लेयर करना है। C1 कर्सर फॉर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टेप नंबर 2, ओपन कर्सर, ओपन C1। जैसे ही आप कर्सर ओपन करोगे, मैंने आपको पहले ही बताया कर्सर, अभी नेम मैंने लिखा C1, ये 1st रो का पॉइंट नहीं करता, ये हमेशा 1st रो के पहले पॉइंट करता है। डन। कर्सर को ओपन करने के बाद में क्या करना है, 3rd नंबर स्टेप है फेच। अभी किसको फेच करना है, अगर आपने डायरेक्टली फेच, अगर अभी कर्सर कहाँ पर है, बिफोर फर्स्ट, यहाँ पर टेक्निकल वर्ड याद रखना है, कर्सर हमेशा स्टार्टिंग में कहाँ पर होता है, बिफोर फर्स्ट पोजीशन में होता है। सो अगर मैंने यहाँ पर लिखा फेच नेक्स्ट फ्रॉम C1 इन टू सम वेरिएबल, तो ऑब्वियसली कर्सर कहाँ पर चले जाएगा,
बिफोर फर्स्ट से फर्स्ट में चले जाएगा, क्लियर। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, फेच नेक्स्ट फ्रॉम लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने डायरेक्टली फेच सीवन भी अगर लिखा ऑटोमेटिक वो हर बार क्या करेगा, नेक्स्ट रो के पास में ही जाने वाला है। सो फेच सीवन इंटू आर वन, तो इस फर्स्ट रो का डेटा रिट्रीव करके इसमें स्टोर करना है, एक टेम्प्रेरी वेरिएबल में स्टोर करना है आर वन। सो मैं एक आर वन क्रिएट कर लेता हूँ। देखो जनरली अगर आपको डेटा टाइप अगर पता होगा तो आप कोई भी टेबल ने, अभी स्टूडेंट टेबल, एम्प्लॉय टेबल, टीचर टेबल, कोई भी टेबल रहने दो, उस टेबल के रो को पॉइंट करने के लिए डेटा टाइप क्या होता है, रिकॉर्ड। बट अगर आपको स्पेसिफिक टेबल का ही अगर रो का डेटा टाइप अगर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल अभी टेबल का नेम क्या लिखा है, स्टूडेंट, स्टूडेंट की रो का, स्टूडेंट की रो के लिए अगर डेटा टाइप अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पर लिखना स्टूडेंट, टेबल का नेम परसेंट, क्या लिखना है, रो टाइप। सो अब इस आर वन के अंदर में कोई भी रो स्टोर नहीं होगी, या इस आर वन के अंदर में अभी सिर्फ स्टूडेंट टेबल की रो स्टोर होने वाली है। अगर आपने आर वन रिकॉर्ड रखा तो कोई भी टेबल की रो स्टोर हो सकती है, बट अभी सिर्फ स्टूडेंट टेबल की रो इसमें स्टोर होने वाली है। जनरली स्टैंडर्ड वे ऐसा ही है, यही लिखना चाहिए, रिकॉर्ड नहीं लिखना चाहिए। चलो हमने कर्सर डिक्लेयर किया, ओपन किया, फेच भी कर लिया है। फेच करने के बाद में क्या करना है, प्रिंट करना है रेज नोटिस टू टाइम्स सिंगल कोट परसेंट परसेंट परसेंट, टेम्प्रेरी रो का नेम लिखा मैंने आर वन, आर वन डॉट रोल, आर वन डॉट नेम, आर वन डॉट मार्क्स, यहाँ पर रोल नेम एंड मार्क्स, जो यहाँ पर नेम लिखा है वही नेम यहाँ पर आ जाएगा। चलो फेच हो गया, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फेच कर्सर एंड स्टोर्ड इनटू टारगेट वेरिएबल। सो टारगेट वेरिएबल में डेटा स्टोर होगा, इसके बाद क्या करना है, कर्सर क्लोज कर देना है। चलो पहले सेव कर लेते हैं यहाँ पर, चलो डेमो थ्री डॉट एसक्यूएल। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, वन बाय वन जितने भी रोज है सबको रिट्रीव करके प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक लूप लगाने वाला हूँ। कर्सर जैसे ही आप ओपन करते हो यहाँ पर क्या लिखना है, लूप, एंड कर्सर क्लोज करने के पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एंड लूप। सो इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसा सी प्रोग्रामिंग में फॉर लूप वाइल्ड लूप होता है ये वैसा ही है। तो सबसे पहले कर्सर कहाँ पर होता है, बिफोर फर्स्ट में, जैसे बिफोर फर्स्ट में था उसके बाद मैंने लिखा फेच, तो इसके बाद में कहाँ पर चले गए, बिफोर फर्स्ट के नेक्स्ट रो में चले जाए, मतलब फर्स्ट में आ जाएगा। सो पहले ये फर्स्ट रो प्रिंट करेगा अगेन, फिर लूप इटरेट होके सेकेंड रो फेच करेगा, फिर लूप इटरेट करके थर्ड रो फेच करेगा, फोर्थ रो फेच करेगा, फिफ्थ रो फेच करेगा। ऐसा कब तक हम लोग फेच करेंगे, ये तो इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। सो कर्सर स्टार्टिंग लोकेशन से स्टार्ट होने के बाद में तब तक आगे इटरेट होना चाहिए जब तक उसके अंदर में कोई रो प्रेजेंट हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन लिखेंगे, इस लूप को हमको टर्मिनेट करना है एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड। अगर आपके कर्सर में कोई भी रो अगर नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, लूप को टर्मिनेट कर देगा। मतलब यहाँ पर स्टेप नंबर टू एंड स्टेप नंबर थ्री, यहाँ पर कर्सर, सॉरी ओनली स्टेप नंबर थ्री, यहाँ पर हमने क्या लगा, एक लूप लगा दिया है। डिक्लेयर हमने पहले ही करके रखा है, ओपन भी पहले करके रखा है, सिर्फ लूप किस में लगाना है, स्टेप नंबर थ्री में लगाना है। जब तक इसके अंदर में कोई भी रो प्रेजेंट होगी तब तक ये क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। अगर इसके अंदर में कोई भी रो अगर प्रेजेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको टर्मिनेट कर देगा। देखते हैं अभी क्या प्रिंट होगा। रिटर्न डेटा टाइप मैंने क्या लिखा, इंट, इसके लिए एक चलो काउंटर वेरिएबल फिर से ले लेते हैं। स्टार्टिंग में काउंटर का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो, एंड जितने भी रोज आप प्रिंट करोगे उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, एंड टास्क कंप्लीट होने के बाद में काउंटर रिटर्न कर देंगे। कॉपी एंड पेस्ट, हो गया फंक्शन क्रिएट। अब देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इससे जो आंसर आया है फंक्शन से वही आंसर आना है, सिलेक्ट प्रिंट स्टूडेंट, सॉरी हमने प्रिंट स्टूडेंट वन लिखा है इस बार, सिलेक्ट
प्रिंट स्टूडेंट वन, ये देखो आ गया वही आंसर जो टेबल के अंदर में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टार्टिंग रो से लेकर लास्ट रो तक इसने क्या किया, वन बाय वन सबको क्या किया, प्रिंट किया। यही कर्सर का एडवांटेज है, कर्सर एट ए टाइम एक रो रिट्रीव करता है। यहाँ पे कर्सर एट ए टाइम एक रो रिट्रीव करेगा, फिर उसके बाद जैसे इसमें मैंने प्रिंटिंग किया, आप अपडेशन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और फिर वन बाय वन हम लोग लास्ट रो तक प्रिंट कर सकते हैं, बट यूजिंग लूप हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई कंडीशंस अगर लगानी है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो कर्सर सबसे पहले कहाँ पर होता है, बिफोर फर्स्ट में, फिर हम लोग क्या करने वाले, फेच नेक्स्ट, कर्सर यहाँ से स्टार्ट होगा, एक रो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रिट्रीव करेंगे। अगर यहाँ पर मार्क्स इस रो के अंदर में मार्क्स, अगर ये मार्क्स अगर ग्रेटर देन अगर 90 अगर होता है तब हम इस रो को प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम लोग रो को प्रिंट नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग कंडीशन लगाने वाले हैं। वन बाय वन हमको क्या करना है, लूप के थ्रू हर रो में जाके चेक करना है, उसको रिट्रीव करना है, रिट्रीव करने के बाद में अगर उसका मार्क्स अगर ग्रेटर देन अगर 90 होता तब हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। क्लियर, देखते हैं चलो। यहाँ पर जस्ट क्या लगाना पड़ेगा, जैसे ही आप फेच करते हो, फेच करने के बाद में डायरेक्टली प्रिंट नहीं करना है, यहाँ पर एक कंडीशन लगाना, इफ आर वन, डेटा किसके अंदर में हमने स्टोर किया है, आर वन के अंदर में स्टोर किया है, इफ आर वन डॉट मार्क्स अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सो इंस्टेड ऑफ 90 हम लोग क्या करते हैं 60 कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 60 अगर होता है तब हम लोग क्या करेंगे, इस रो को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, काउंटिंग भी कर लेना है, अदरवाइज प्रिंट नहीं करने वाले हैं। इफ के बाद में यहाँ पर एंड इफ लिख देते हैं। ठीक है, स्टेप्स वैसे ही है, सब कुछ एज इट इज वैसा ही, हमने पहले कर्सर क्रिएट किया है, फिर कर्सर को ओपन किया है, फेच किया है, और फिर क्या किया है, क्लोज किया है, मल्टीपल रोज रिट्रीव करना है, एट ए टाइम एक रो रिट्रीव करना है, बट वन बाय वन रिट्रीव करना है, इसके लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर एक लूप लगाया है, और फिर उसके अंदर में हमने क्या लगा दिया, एक कंडीशन लगा दिए, अगर जो भी रो आपने रिट्रीव किए अगर कंडीशन मैच होती है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। देखते हैं चलो, कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट प्रिंट स्टूडेंट वन, अब देखो यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हमने कर्सर कहाँ पर लगाया था, कर्सर हमने इस टेबल के ऊपर में लगा के रखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इस टेबल में हमने कर्सर लगाया था, वन बाय वन हमने क्या किया, रो रिट्रीव किया, एंड हर रो में जाके हमने चेक किया, अगर उसका मार्क्स अगर ग्रेटर देन 60 होगा तो हमने प्रिंट किया, तो फर्स्ट रो में 60 ग्रेटर देन 60 नहीं मिला, सेकंड रो का डेटा आ गया यहाँ पर, थर्ड रो का डेटा आ गया, फोर्थ रो का डेटा आ गया, फिफ्थ रो ग्रेटर देन 60 नहीं है, प्रिंट नहीं हुआ, सिक्स्थ रो ग्रेटर देन 50 नहीं है, प्रिंट नहीं हुआ, हमने जितने भी रोज प्रिंट किया उसको हमने साइड बाय साइड काउंटिंग भी किया, इसलिए यहाँ पर रिटर्न में क्या किया हमने, 3। चलो अभी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, कर्सर के थ्रू हम लोग अपडेशन कैसा करेंगे या फिर डिलीट कैसा करेंगे ये देखते हैं। मैं इस टेबल में सबसे पहले क्या करूँगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम मैं क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैंने एक कॉलम क्रिएट किया है ग्रेड, ठीक है, हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम लोग कर्सर इस क्वेरी के लिए एक कर्सर पहले क्रिएट करने वाले हैं, जैसे कर्सर क्रिएट करोगे उसके बाद क्या करना, ओपन, ओपन करने के बाद में सबसे पहले बिफोर फर्स्ट में आ जाएगा, फिर वन बाय वन हम उसको नेक्स्ट रो करके आगे के हर रो को क्या करना है, रिट्रीव करना है। सो जहाँ भी आपका कर्सर होगा, सपोज कर्सर अगर फर्स्ट रो में है, सो इस कर्सर के थ्रू हम इस रो को क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे, रिट्रीव करने के बाद इस बार हमें चार कॉलम मिलने वाले हैं, यहाँ पर रोल नंबर है, नेम, मार्क्स एंड ग्रेड। सो अगर आपका मार्क्स आर वन डॉट मार्क्स, यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, कंडीशन लगाना है, आर वन डॉट मार्क्स अगर ग्रेटर देन अगर 80 अगर होता है, सो हम लोग ग्रेड में क्या सेट करेंगे, ए ग्रेड सेट करेंगे, मतलब यहाँ पर ओरिजिनल टेबल के अंदर में यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए। ठीक है, ये तो एक टेम्पररी रिजल्ट सेट है, हमको ओरिजिनल टेबल के अंदर में क्या करना है, डेटा स्टोर करना है, फिर नेक्स्ट रो के पास में जाएंगे, नेक्स्ट रो, फिर नेक्स्ट रो को फेच करना है, इस बार मार्क्स कितना मिलेगा यहाँ पर, 65। अगर आपका मार्क्स ग्रेटर देन
सपोज 70 to 80 के बीच में अगर होता है, या फिर 60 to 70, या फिर 50 to 60, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन वाइज हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड सेट करेंगे। चलो यहाँ पर ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड एंड डी ग्रेड लिख देंगे। चलो अगर 42 अगर 50 अगर होता है तो ई ग्रेड कर देंगे, एंड अगर लेस देन 40 अगर होता है हम लोग फेल के लिए एफ ग्रेड कर देते हैं। लेस देन अगर 40 होता है तो हम एफ ग्रेड कर देंगे। मतलब हमको वन बाय वन रो रिट्रीव करके उसको अपडेट करना है। सो देखते कैसा करेंगे। एक न्यू एग्जांपल ले लेता हूँ, पहले इसको सेव कर लेंगे। सपोज डेमो 4.sql, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। सपोज फंक्शन का नेम मैंने लिखा है अपडेट स्टूडेंट, रिटर्न्स जितने भी रोज हम लोग अपडेट करेंगे साइड बाय साइड काउंटिंग करके रिटर्न करेंगे। एज लैंग्वेज PLPG SQL, डिक्लेयर बिगिन एंड एंड। चलो पहले यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है। एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, अल्टर अल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, ऐड ग्रेड। डेटा टाइप क्या रखना है, कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, इसके लिए कैर लिखना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आगे ग्रेड। अब देखो हमें क्या करना है। स्टेप नंबर वन, क्रिएट अ कर्सर। यहाँ पर C1 ही लिखना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। सपोज मैंने लिखा है कर, इसके बाद क्या लिखना है, कर्सर फॉर, किसके लिए क्रिएट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट के लिए कर्सर क्रिएट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। वन बाय वन रो रिट्रीव करना है, इसके लिए टेम्प्रेरी वेरिएबल लिया है। किस टेबल का रो रिट्रीव करना है, स्टूडेंट टेबल का रो रिट्रीव करना है, तो स्टूडेंट परसेंट रो टाइप। देन ग्रेड सेट करना है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक टेम्प्रेरी वेरिएबल लेता हूँ जी। डेटा टाइप क्या है इसका, कैर। एंड साइड बाय साइड काउंटिंग करना है, स्टार्टिंग में वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। देन चलो फिर अभी कर्सर को ओपन कर लेते हैं। ओपन C1 को ओपन करने के बाद में हमें फेच करना है, लूप लगा के फेच करना है वन बाय वन। इसके बाद क्या करना है, क्लोज करना है। सो अभी ठीक से देखो कैसे करना है। ओपन C1, क्लोज C1, इसके अंदर में क्या लगाना है, लूप, और फिर क्या करना है, एंड। और इस लूप के अंदर में जाके वन बाय वन क्या करना है, कर्सर के थ्रू डेटा क्या करना है, फेच करना है। देखो अभी यहाँ से मिस्टेक हो जाता था, मैंने कर्सर का नेम क्या लिखा है, CUR, तो यहाँ पर ओपन कर एंड क्लोज कर। सो फेच कर इनटू, कहाँ पर स्टोर करना है, REC में स्टोर कर देना है। देन और ऐसा कब तक करते जाना है, जब तक उसके अंदर में रो मिलेगी तब तक। सो एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड। अब कोई भी कर्सर का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। चलो अगर फर्स्ट रो अगर आती है, अभी हम लोग उसके अंदर में जाके चेक करेंगे, इफ REC.marks, स्पेलिंग चेक कर लेना क्या लिखा है, MKS ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर 80 अगर होता है देन, हमने एक टेम्प्ररी वेरिएबल लिखा है जी, इस जी का वैल्यू सिंगल कोट में नहीं लिखना है, 2 टाइम सिंगल कोट लिखना है, मुझे क्या करना है, ए ग्रेड। मैंने जी की वैल्यू सेट करी है। अदरवाइज इसके लिए सी प्रोग्रामिंग में देखो ऐसा लिखता है LC, यहाँ पर शॉर्टकट है ELS IF LC, रिकॉर्ड डॉट मार्क्स, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर 70 एंड REC.marks, अगर लेस देन 80 अगर होता है, फिर से ग्रेड सेट करना है, 2 टाइम्स सिंगल कोट। सपोज मैंने क्या लिखा है, बी एलसी REC. चलो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अभी। यहाँ पर देखो अगर मार्क्स अगर ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 70 अगर होता है, ग्रेड क्या करना है, सी ग्रेड। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60
या फिर लेस देन 70 होता है, ग्रेड डी ग्रेड 50 एंड 60 में अगर होता है ग्रेड क्या करना है, ई, अदरवाइज फेल ग्रेड के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ, देन एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क एंडिफ लिखना नहीं भूलना, देन। चलो अभी देखो अभी यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, कर्सर को ओपन किया है, उसके नेक्स्ट स्ट्रोक हम लोग क्या करेंगे फेच करेंगे, मतलब फर्स्ट स्ट्रोक को फेच करेंगे, उसके अंदर में हमने कैलकुलेशन किया है। सो फर्स्ट स्ट्रोक का डेटा आपको फर्स्ट स्ट्रोक में यहाँ पर क्या है 55, तो ये कहाँ पर मैच करेगा, 50 एंड 60 यहाँ पर मिल गए, ग्रेड इसका क्या होगा ई। अब ओरिजिनल डेटाबेस में जाके मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। सो अपडेट करने के लिए अपडेट क्वेरी हम लोग लिखने वाले हैं, अपडेट क्या अपडेट करना है, स्टूडेंट टेबल सेट ग्रेड इक्वल्स टू, अभी हमने टेम्परेरी वेरिएबल क्या लिखा है जी, बट किस रो में, अभी जहां पर आपका करंट कर्सर होगा उस करंट कर्सर के अकॉर्डिंगली वो ओरिजिनल डेटाबेस में जाके वहां पर अपडेट करेगा। सो करंट कर्सर के अकॉर्डिंगली इसके लिए यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है करंट ऑफ, मतलब कहां पर अपडेट करना है ग्रेड, जहां पर आपका करंट कर्सर है वहीं पर करंट ऑफ, कर्सर का नेम क्या है सी यू आर, सो करंट कर्सर जहां पर होगा उसी के अकॉर्डिंगली वो ओरिजिनल डेटाबेस में जाके ग्रेड क्या करेगा अपडेट कर देगा। क्लियर है, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हम लोगों को, इस टेम्पररी रो में अपडेट नहीं करना है, ओरिजिनल डेटाबेस में जाके अपडेट करना है। सो आपका कर्सर जहाँ पर होगा उस कर्सर के अकॉर्डिंगली वो ओरिजिनल डेटाबेस में जाके क्या करेगा अपडेट करेगा। एज इट इज हमने यहाँ पर लूप लगा के रखा है, ये लूप फिर से इटरेट होगा, इस बार सेकेंड रो आएगी, सेकेंड रो के लिए सेकेंड रो में डेटा क्या लिखा है 65, तो 65 सेकेंड रो का 65 वो यहाँ पर मैच होता है, तो ग्रेड क्या मिलेगा उसका डी, तो फिर से अपडेट करेगा, अपडेट स्टूडेंट साइड ग्रेड इक्वल टू डी, और इस बार कर्सर कहाँ पर है सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो का ग्रेड क्या कर देगा डी कर देगा, फिर से अगेन जब तक रो मिलते जाएगी तब तक, अगर थर्ड रो में जाते हैं हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड का मार्क्स इस बार क्या मिलेगा 70, तो 70 और 80 यहाँ पर मैच होता है, ग्रेड क्या हो जाएगा बी, इमीजिएटली अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड इक्वल्स टू बी, कहाँ पर करंट कर्सर जहाँ पर होगा उसी पर, मतलब थर्ड रो पे क्या करेगा अपडेट करेगा। देखते चलो क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पर वेयर नहीं लिखा हमने, वेयर अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड इक्वल समथिंग वेयर करंट ऑफ कर्सर, चलो कॉपी एंड पेस्ट, आगे आंसर क्रिएट फंक्शन, अभी देखते हैं सिलेक्ट फंक्शन का नेम क्या लिखा है, अपडेट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, यहाँ पर हमने रिटर्न डेटा टाइप क्या लिखा इंट, वापस से मिस्टेक होता है, काउंटर क्या करना था हमें इंक्रीमेंट करना है, काउंटर इंक्रीमेंट करना है और क्या करना है और रिटर्न करना है। चलो फिर से कॉपी एंड पेस्ट, ओके अभी देखते हैं, सिलेक्ट अपडेट स्टूडेंट, देखो टोटल 6 रोज अपडेट हुई है, जाके चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आ गए सबका ग्रेड, मतलब हमने कर्सर से क्या किया वन बाय वन जितने भी रोज थे सबको वन बाय वन क्या किया रिट्रीव किया, और उसके अंदर में ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने उसके वैल्यूज क्या कर दिए अपडेट कर दिए। क्लियर, वैसे ही अगर आपको डिलीट अगर करना होगा, अगर आपको कोई भी सिलेक्टेड रो अगर डिलीट करनी है ओरिजिनल डेटाबेस में से, अगर डिलीट करनी है फॉर एग्जांपल जिसके मार्क्स लेस देन 50 होंगे उसको हम क्या करेंगे डिलीट ही कर देते हैं। सो यहाँ पर कहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा, देखो मैं पहले चलो एक फिर से टाइप कर लेते हैं, यहाँ पर अभी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डेमो 5.sql, देखो ये आपके कर्सर का फॉर्मेट है,
कर्सर क्रिएट किया है, रिकॉर्ड के लिए लिखा है, इस बार कोई ग्रेड सेट नहीं करना है, काउंटर। यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन रो फेच करना है, एंड इफ आपके रिकॉर्ड का मार्क्स अगर लेस देन इक्वल्स टू अगर 50 अगर होता है देन। हम क्या करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए अभी डिलीट क्वेरी रन करनी पड़ेगी, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, वेर, किस रो को डिलीट करना है, जहां पर आपका करंट कर्सर होगा उसी को हम लोगों को क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेर करंट ऑफ, कर्सर का नेम क्या लिखा है, सी यू आर, देखते हैं चलो इससे क्या होगा। फंक्शन का नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिलीट स्टूडेंट, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं, ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये आपका डेटा है, सिलेक्ट डिलीट स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर क्या रिटर्न किया है, टू, मतलब टोटल टू रोज ओरिजिनल डेटाबेस से डिलीट हो गई रहेगी। देखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फिफ्थ नंबर एंड सिक्स नंबर रो डिलीट हो गए। मतलब कर्सर से हमने क्या क्या किया, वन बाय वन रो रिट्रीव करके पहले मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया, फिर इसके बाद वन बाय वन रो रिट्रीव करके उसके ग्रेड अपडेट कर दिए, वन बाय वन रो रिट्रीव करके सिलेक्टेड रो हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। अभी और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आप लोगों को, देखो फॉर एग्जांपल अभी टेबल का नेम क्या लिखा है, एम्प्लॉय, सब कुछ वैसा ही है। सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, उससे जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के लिए कर्सर क्रिएट करने वाले हैं, एक कर्सर क्रिएट कर लेंगे। और मैं यहाँ पर पहले क्या करूँगा, दो कॉलम एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए हमने कुछ कमीशन रखा है और एक टोटल क्रिएट किया हमने, एंड कंडीशन इस बार क्या करना है, अगर आईटी डिपार्टमेंट का अगर एम्प्लॉय अगर होगा तो उसको हम लोग 10% कमीशन देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 31,000 है, 31,000 का कमीशन कितना हो जाएगा, 3100, और फिर 31,000 एंड 3100 को ऐड करके यहाँ पर स्टोर कर देना है, 31,000 एंड 3100 टोटल कितना हो जाएगा, 34,100 अपडेट कर देना है। अगर एचआर डिपार्टमेंट अगर होता है तो हम लोग उसको 20% कमीशन देने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एचआर लिखा है, सो 30,000 इसका 20% कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, पहले कैलकुलेट करना है 6,000, और फिर 30,000 प्लस 6,000 टोटल कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। वैसे ही अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर होगा हम लोग उसको 30% कमीशन दे देंगे। सो कैसा करेंगे हम लोग, एज इट इज़ पहले कर्सर डिक्लेयर करना है इस क्वेरी के लिए, इस क्वेरी के लिए कर्सर क्रिएट करना है। ओपन जैसे करोगे, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले बिफोर फर्स्ट में होता है एक लूप यूज़ करके हम वन बाय वन जितने भी रोज हैं सबको क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे, वन बाय वन हर रो को क्या करना है, रिट्रीव करना है। रो को रिट्रीव करने के बाद में उस रो के अंदर में जाके हम लोग सैलरी चेक करेंगे, सॉरी सैलरी नहीं चेक करना है, डिपार्टमेंट वाइज हमने किया है तो हम उसका डिपार्टमेंट चेक करेंगे। अगर डिपार्टमेंट अगर आईटी अगर होता रहेगा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कॉलम है यहाँ पर कमीशन, एक कमीशन है और एक क्या है टोटल, हम लोग कमीशन कैलकुलेट करने वाले हैं एंड फिर सैलरी एंड कमीशन, सैलरी एंड कमीशन दोनों का एडिशन करके टोटल में स्टोर करने वाले हैं। ऐसा कैसे करना है, वन बाय वन, वन बाय वन सब कुछ करना है। इसके लिए अगेन फिर से क्या लगाना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा, लूप वाइज हम लोग वन बाय वन रिट्रीव करेंगे, साइड बाय साइड अपडेट करेंगे। एंड अपडेट कहाँ पर करना है, अपडेट इस टेम्पररी रिजल्ट में नहीं करना है, टेम्पररी ओरिजिनल डेटाबेस में जाके ये अपडेट होना चाहिए। देखो आप कभी भी क्वेरी जब रन करते हैं उससे हमें एक टेम्पररी रिजल्ट मिलता है, तो उस टेम्पररी रिजल्ट में सब कुछ नहीं करना है, ओरिजिनल डेटाबेस में जाके स्टोर होना चाहिए।
ठीक है, हम लोग जो कर्सर लगाने वाले हैं वो एक टेम्पररी रिजल्ट सेट में कर्सर लगाने वाले हैं, बट कर्सर से जो भी आप अपडेट करोगे वो ओरिजिनल डेटाबेस में जाके अपडेट होना चाहिए। इसके लिए अपडेट क्वेरी हमको रन करनी पड़ती है। सिर्फ यहाँ पर चेंजेस करने से ओरिजिनल डेटाबेस में चेंजेस होने वाला नहीं है, इसके लिए अपडेट क्वेरी रन करनी पड़ेगी। वैसे ही अगर डिलीट अगर करना होगा, अगर आपने यहाँ से डिलीट किया तो टेम्पररी रिजल्ट से डिलीट होता है, ओरिजिनल डेटाबेस से डिलीट नहीं होगा। ओरिजिनल डेटाबेस से डिलीट करने के लिए अभी मैंने क्या किया था, डिलीट क्वेरी रन की थी, तब ओरिजिनल डेटाबेस में से जाके डिलीट होने वाली है। तो देखते कैसा करेंगे अभी। demo6.sql लिख लेता हूँ। एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। इस बार क्या करना है, हमें एम्प्लॉय को अपडेट करना है। चलो इसके लिए फंक्शन का नेम मैंने लिखा है अपडेट एम्प्लॉय और रिटर्न्स इंट और लैंग्वेज PLPG SQL। डिक्लेयर बिगिन एंड। स्टेप नंबर वन, क्रिएट अ कर्सर। किसके लिए कर्सर क्रिएट करना है इस बार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय के लिए करना है। वन बाय वन रो रिट्रीव करके एक रो में स्टोर करना है। इसके लिए डेटा टाइप या तो रिकॉर्ड लिखना है, या फिर जैसे मैंने बताया आपको इस बार टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय परसेंट रो टाइप करना है। इस बार R1 में सिर्फ एम्प्लॉय की रोज स्टोर होने वाले हैं। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, कमीशन कैलकुलेट करना है, इसके लिए C लिख लेते हैं। चलो इसका डेटा टाइप क्या करेंगे, न्यूमेरिक पॉइंट में आने के चांसेस है इसके लिए, एंड काउंटिंग करने के लिए एक एक्स्ट्रा काउंटर। स्टार्टिंग में वैल्यू क्या करना है, 0। डन। चलो कर्सर का फॉर्मेट बताओ कैसा रहेगा। फिर कर्सर को सबसे पहले क्या करना है, ओपन करना है, यहाँ पर पहले ही सिली मिस्टेक नहीं हुई इसके लिए क्लोज करके रख लेना है। वन बाय वन हर रो को रिट्रीव करना है, इसके लिए एक लूप भी लगा के रखना है, लूप और फिर एंड लूप। यहाँ पर सिली मिस्टेक नहीं करना है। देखो लूप के आगे में कोई सेमी कोलन नहीं है, जैसे डिक्लेयर और बिगिन के आगे में कोई सेमी कोलन नहीं है, लूप के भी आगे में कोई सेमी कोलन नहीं है, बाकी हर रो के आगे में सेमी कोलन है। फेच करना है कर्सर से टेम्पररी R1 में स्टोर करना है, एंड कब तक करना है, जब तक उसको मिलता रहेगा तब तक। जैसे ही उसको कोई भी रो नहीं मिलेगी ऑटोमेटिक क्या हो जाना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। कर्सर का फॉर्मेट एज इट इज वैसा ही जैसा स्टूडेंट के लिए किया। चलो पहले हम लोग एक एम्प्लॉय टेबल यहाँ पर मैंने क्रिएट करके रखा है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये वही टेबल है। इसमें दो टेबल दो कॉलम में क्या करता हूँ अभी ऐड कर लेता हूँ, अल्टर टेबल एम्प्लॉई ऐड। क्या ऐड करना है, कमीशन ऐड करना है और क्या ऐड करना है, अल्टर टेबल एम्प्लॉई टोटल। इसके लिए भी डेटा टाइप न्यूमेरिक की रखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। आगे वन बाय वन अभी हम क्या करेंगे, रो रिट्रीव करेंगे, कमीशन कैलकुलेट करेंगे, एंड टोटल क्रिएट करेंगे, टोटल भी सेट कर देना है। चलो फर्स्ट रो यहाँ से फेच C1 into R1, मतलब फर्स्ट रो आ गई। देखो यहाँ पर डायग्रामेटिकली पहले आपको एक बार बता देता हूँ, फर्स्ट रो रिट्रीव होके अभी R1 में स्टोर हो जाएगी। R1 ID, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, कमीशन एंड टोटल। कमीशन एंड टोटल यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट, स्पेलिंग जैसा होगा एज इट इज डिपार्टमेंट, यहाँ क्या है सैलरी। तो हमें R1 का डिपार्टमेंट चेक करना है, क्या चेक करना है, R1 का डिपार्टमेंट। सो इफ R1 डॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू, क्या लिया हमने एग्जांपल में, IT अगर होगा तो 10%, IT डिपार्टमेंट अगर होता रहेगा देन कमीशन कैलकुलेट करना है। IT डिपार्टमेंट
आपके लिए कमीशन मैंने बोला 10%, 10% ऑफ सैलरी। सो फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, सैलरी इंटू 10/100। सो यहाँ पर कमीशन कैलकुलेट हो गया। अदरवाइज अगर आपका डिपार्टमेंट एचआर अगर होता है, इसके लिए कमीशन क्या सेट करना है, 20%, सैलरी इंटू 20, एलसी R1 डॉट डिपार्टमेंट। अगर फाइनेंस अगर होता है देन कमीशन इक्वल्स टू सैलरी इंटू 30%। अदरवाइज कमीशन का वैल्यू हम लोग कर देते हैं 0। ठीक है, एंड इफ लगाना नहीं भूलना है। सो जो भी आपकी कमीशन होगी इस बार, जैसे फर्स्ट अभी रो में इस बार डिपार्टमेंट क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। R1 डॉट डिपार्टमेंट क्या मिलेगा आपको, फाइनेंस। सो R1 डॉट डिपार्टमेंट मिलता है फाइनेंस, इसका कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 30% कैलकुलेट करना। सो 21,000 का 30% कैलकुलेट होकर यहाँ पर हमने किस में स्टोर किया है, सी में स्टोर कर दिया। अब इस कमीशन को क्या करना है, ओरिजिनल डेटाबेस में जाके अपडेट करना है। सो ओरिजिनल डेटाबेस का कमीशन अपडेट करने के लिए यहाँ पर क्वेरी लिखना है, अपडेट एम्प्लॉय सेट कमीशन कॉलम का नेम लिखा मैंने COMM इक्वल्स टू सी। जो भी आपने सी कैलकुलेट किया है कमीशन में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। किस रो पे काम करना है, हर बार याद आया, जहाँ पर करंट कर्सर होता है वहीं पर। सो वेयर करंट ऑफ C1, अभी कर्सर कहाँ पर है, फर्स्ट रो में। सो ये फर्स्ट रो के अकॉर्डिंगली ओरिजिनल डेटाबेस के फर्स्ट रो में जाएगा और वहाँ पर अपडेट कर देगा। और क्या करना है, अपडेट एम्प्लॉय सेट टोटल, टोटल में जाके हमको क्या करना है, जो भी आपकी सैलरी रहेगी उसमें कमीशन ऐड कर देना है। टोटल इक्वल्स टू सैलरी प्लस कमीशन वेयर करंट ऑफ कर्सर, जहाँ भी कर्सर होगा उसके टोटल क्या करेंगे, टोटल इक्वल सैलरी प्लस कमीशन कैलकुलेट करके स्टोर कर देंगे। ऐसा कब तक करते जाना है, हमने एक लूप लगा के रखा है। फिर सेकंड रो आ जाएगा, सेकंड रो में क्या मिलेगा आपको, आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट के लिए 10% कमीशन कैलकुलेट होगा, अपडेट करेंगे हम लोग कमीशन। सेकंड रो में अगर कर्सर होगा तो सेकंड रो का कमीशन क्या हो जाएगा, अपडेट। सेकंड रो के कर्सर का हम लोग टोटल क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, वन बाय वन जब तक एंड नहीं होगा तब तक हम लोग रो फेच करने वाले, कमीशन कैलकुलेट करेंगे, कमीशन स्टोर करेंगे, टोटल स्टोर कर देंगे। देखते हैं रिटर्न डेटा टाइप क्या लिखा, एंड काउंटर। सो हम लोग अपडेट करने के बाद में काउंटर इंक्रीमेंट कर देते हैं एंड क्लोज करने के बाद में उसको क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, फंक्शन रिटर्न करना चाहिए इसके लिए हम लोग रिटर्न करें, अदरवाइज हम लोग वर्ड भी लिख सकते हैं। कॉपी एंड पेस्ट हो गया फंक्शन क्रिएट। देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अभी हमारे फंक्शन का नेम क्या है, अपडेट एम्प्लॉय, सिलेक्ट अपडेट एम्प्लॉय। देखो यहाँ पर सिली मिस्टेक किया, जैसे R1 डॉट डिपार्टमेंट लिखा है वैसे हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, R1 डॉट सैलरी। किसकी सैलरी हम लोग कर रहे हैं, जिस रो को हमने फेच किया है, जिस रो को हमने फेच किया है उसी रो की सैलरी के अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। इसके लिए वहाँ पर एरर आ गए, चलो फिर से ट्राई करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। ओके फंक्शन क्रिएट, चलो देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट अपडेट स्टूडेंट, सॉरी अपडेट एम्प्लॉय। देखो 8 रोज अपडेट हो गए, चेक करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो कर्सर का ये एडवांटेज, वन बाय वन देखो, इसने सबसे पहले फर्स्ट रो रिट्रीव किया रहेगा, 21,000 डिपार्टमेंट किया है फाइनेंस,
30% कैलकुलेट हो सकते हैं, 6300, 21000 ने 6300, टोटल कितना हो गया 27300। वन बाय वन सबके पास में गया रहेगा। आईटी देखो, आईटी डिपार्टमेंट के लिए कितना है, 10% है। एचआर डिपार्टमेंट के लिए कितना लिखा था हमने, 20%। सो 20% कैलकुलेट हो गए और फिर सबके टोटल भी कैलकुलेट हो गए। सो कर्सर से हम लोग वन बाय वन रो वाइज हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यही कर्सर का एडवांटेज है। चलो अभी हम लोग सिंगल टेबल में तो हमने बहुत सारे कर्सर लगा के देखे, अभी हम लोग टू टेबल्स में कर्सर का यूज़ कैसा करेंगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर देखो, मैंने एक एरिया टेबल लिया और एक पर्सन टेबल लिया है। इसमें रिलेशनशिप भी है। फॉर एग्जांपल मैं इसका ईआर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, एरिया एंड पर्सन। अब एक एरिया में कितने पर्सन हो सकते हैं, वन एरिया के अंदर में मेनी पर्सन हो सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर रिलेशनशिप क्या आ जाएगी, वन टू मेनी रिलेशनशिप आ जाएगी। वन टू मेनी रिलेशनशिप में यहाँ पर एरिया में कॉलम नेम क्या, एरिया नेम एंड एरिया का टाइप, एंड पर्सन के अंदर में क्या है, पर्सन का नंबर है, पर्सन का नेम, उसकी बर्थ डेट है, इनकम है, प्लस वन टू मेनी रिलेशनशिप है। इसके लिए एरिया नंबर प्राइमरी की, इसका फॉरेन की बन जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरिया का नेम। देन सो मुझे अभी क्या करना है, इस एरिया टेबल में आप लोग देखो ठीक से, यहाँ पर जहाँ भी अर्बन लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल पुणे, टाइप क्या मिलेगा, अर्बन, मुंबई है एंड नागपुर है और नासिक है। मुझे एरिया वाइज, मुझे क्या करना है, एरिया वाइज पर्सन की लिस्ट प्रिंट करनी है, एरिया वाइज पर्सन नेम प्रिंट करना है। सिर्फ अर्बन एरिया के ही पर्सन मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। सो कर्सर से हम लोग कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इस क्वेरी के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एरिया, इस क्वेरी के लिए मुझे कर्सर क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज मैंने कर्सर क्रिएट कर लिया C1 एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, इस क्वेरी के लिए मैं कर्सर क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज कर्सर का नेम क्या रहेगा, C2। दो कर्सर क्रिएट करने हैं, वन बाय वन इस कर्सर से मैं एक रो रिट्रीव करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक रो रिट्रीव होके आ जाएगी R1, इसमें क्या मिलेगा, पुणे, एंड इसका टाइप क्या है, अर्बन, एरिया नेम और एरिया का क्या है, टाइप, एरिया अंडरस्कोर टाइप, जो भी कॉलम नेम लिखा रहेगा एज इट इज, ठीक है। एरिया का टाइप अर्बन ही होना चाहिए, हमने एग्जांपल में क्या लिया है, एरिया का टाइप अर्बन ही होना चाहिए। सो अगर इसका टाइप अर्बन है, हम इस ए नेम को R1.ANAME पुणे, इस पुणे को क्या करेंगे, सेकंड टेबल में वन बाय वन हर रो के साथ में जाके क्या करना है, मैच करना है। तो वन बाय वन सबके साथ मैच करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कर्सर लिखा है। इस कर्सर से भी हम लोग क्या करेंगे, एक रो बाहर निकालेंगे। चलो फर्स्ट रो में बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ पर पर्सन का नंबर वन, सबसे पहले पर्सन का नेम लिखा मैंने अजय, उसकी बर्थ डेट है, कुछ इनकम है, प्लस एरिया का नेम यहाँ पर क्या लिखा है, पुणे। इस रो का नेम क्या है, R2। यहाँ से फर्स्ट रो आ गई और इस फर्स्ट रो को हमने सेकेंड कर्सर के फर्स्ट रो के साथ में मैच करेंगे। सो यहाँ पर R1.ANAME एंड R2.ANAME, अगर दोनों अगर इक्वल अगर होती है तब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। तो ये तो मैच हो गई तो प्रिंट करेंगे। इसके बाद सेकेंड रो के पास में जाना है, इसके लिए ऑब्वियसली लूप लगाना पड़ेगा हम लोगों को। अभी देखते हैं सेकेंड रो में अभी एरिया का नेम क्या मिलेगा आपको, चाकर। तो R1.ANAME एंड R2.ANAME दोनों मैच नहीं होंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा। वन बाय वन हर रो के पास में जाना है, कर्सर के थ्रू हम लोग
हर रो को क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे, एंड रिट्रीव करने के बाद में फर्स्ट रो का एरिया नेम जिसके साथ भी मैच होता है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट इसके साथ मैच हो गए, प्लस यहाँ पर सचिन के साथ में मैच हो जाएगा, तो सबसे पहले आंसर क्या आएगा, पुणे एरिया के लिए आंसर आ जाएगा, यहाँ पर अजहर का नाम आ जाएगा और फिर सचिन का नाम आ जाएगा, दोनों भी कहाँ पर रहते हैं, पुणे में रहते हैं, ठीक है। ये हमने सिर्फ पुणे के लिए मैच किया है, एज इट इज़ फिर से क्या करना है, फर्स्ट कर्सर से अभी सेकंड रो अभी हम लोग बाहर निकालते हैं, सेकंड रो अभी आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सिन्नर एंड, इस बार सेकंड रो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, सिन्नर और क्या मिलेगा, रूडल, हमने एग्जांपल में बोला है सिर्फ अर्बन वाला ही नेम हमको प्रिंट करना है, तो हम लोग सेकंड रो के साथ सेकंड टेबल के साथ में मैच करने के पहले हम लोग पहले इसका एरिया टाइप चेक करने वाले हैं, ये तो क्या लिखा है, रूरल, इसके लिए मैच करने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पर अर्बन अगर होता रहेगा तभी हम लोग सेकंड टेबल में सेकंड कर्सर के थ्रू वन बाय वन हर रो को रिट्रीव करेंगे और सबके साथ में क्या करेंगे, मैच करेंगे, तो सेकंड रो के लिए तो ये मैच नहीं होने वाला। चलो फिर क्या करेंगे, थर्ड रो अभी रिट्रीव करेंगे यहाँ पर R1 से, अभी थर्ड रो मतलब यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट टेबल के लिए एक लूप रहेगा, सेकंड टेबल के लिए लूप रहेगा, नेस्टेड लूप यूज़ करना पड़ेगा। अभी फर्स्ट टेबल से अभी थर्ड रो हम लोग रिट्रीव करते हैं, इस बार अर्बन टाइप मिलने वाला है एंड एरिया का नेम क्या लिखा है, मुंबई, एरिया का नेम है मुंबई, अगर अर्बन यहाँ पर मिलता है तो R1.aname वन बाय वन क्या करना है, फिर से सेकेंड रो मतलब ये कर्सर फिर से हमको ओपन करना है, कर्सर जैसे ही ओपन करोगे फिर से वो कहाँ से स्टार्ट होगा, सेकेंड फर्स्ट बिफोर फर्स्ट के थ्रू फिर हम लोग फर्स्ट में जाएंगे, यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और फिर R2.1x1 क्या करना है, रिट्रीव करना है एंड हर एरिया नेम के साथ में क्या करना है, इसको मैच करना है, अगर मुंबई जैसे कि यहाँ पर मुंबई किसके साथ मैच होगा, मुंबई इस बार साधना के साथ में मैच हो जाएगा, प्लस सुधीर के साथ में मैच हो जाएगा, तो इसके बाद में यहाँ पर प्रिंट होगा साधना एंड सुधीर, सो पुणे के बाद में क्या आ जाएगा, मुंबई, यहाँ पर आ गया मुंबई, हमको एरिया वाइज अर्बन जहाँ पे टाइप लिखा रहेगा उसी एरिया वाइज क्या करना है, पर्सन नेम प्रिंट करना है, फिर इसके बाद क्या मिलेगा, देखो ये रूरल, रूरल है, फिर से अर्बन, यहाँ पर इस बार क्या आ जाएगा, नागपुर, नागपुर एरिया के आगे में क्या लिखा है, अर्बन लिखा है, सो नागपुर एरिया को लेके अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल के लिए फिर से कर्सर को क्या करना है, ओपन करना है, वन बाय वन हम लोग रो रिट्रीव करने वाले हैं, जिसके साथ भी नागपुर अगर मैच अगर होता रहेगा उस रो को क्या करना है, प्रिंट करना है, जैसे कि नागपुर के साथ में हमें क्या मैच करना है, मैच मिलेगा, हर्ष मिलने वाला है यहाँ पर एंड सोनाली मिलने वाली है, तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, हर्ष एंड सोनाली आ जाएगी, यहाँ पर नेम क्या आ जाएगा, नागपुर, ठीक है, एनालिसिस तो हमने कर लिया, चलो देखते हैं अभी इसको प्रैक्टिकली कैसा करेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से टेबल क्रिएट करके रखा है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एरिया एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, आगे सब कुछ एज इट इज वैसा ही है, इसी का ही स्क्रीनशॉट निकाल के मैंने आपको अभी दिखाया है, वन सेकेंड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले मैं आपको टेबल का डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ, स्लैश डी एरिया स्लैश डी पर्सन, देखो यहाँ पर एरिया टेबल, एरिया टेबल में एरिया नेम एंड एरिया टाइप है, पर्सन में पी नंबर, पी नेम, बी डेट, इनकम एंड एरिया नेम, जो कि एक फॉरेन की है, ये फॉरेन की है, डन, चलो अभी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हम लोग कर्सर क्रिएट कर लेते हैं, चलो फंक्शन एक लिख लेते हैं, क्रिएट, पहले सेव कर लेता हूँ, demo7.sql क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, इस बार हमें क्या करना है, एरिया वाइज प्रिंटिंग करना है, इसके लिए मैं नाम लिखता हूँ प्रिंट एरिया वाइज रिटर्न्स
जितने भी हम लोग नेम प्रिंट करेंगे साइड बाय साइड कैलकुलेट करेंगे एज लैंग्वेज PLPG SQL डिक्लेयर बिगिन एंड। देखो अभी सबसे पहले एरिया टेबल यहाँ पर क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एरिया, इस क्वेरी के लिए कर्सर क्रिएट करना है। तो C1 कर्सर फॉर सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एरिया देन एंड सेकेंड क्वेरी हमने लिखा सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पर्सन, सो इस रिजल्टेंट टेबल के लिए कर्सर क्रिएट करेंगे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पर्सन। दोनों भी कर्सर से हमें क्या करना है, वन बाय वन रो रिट्रीव करना है, इसके लिए R1 और इस सेकंड रिजल्टेंट टेबल के लिए R2। सो R1 रिकॉर्ड, R2 रिकॉर्ड, या फिर जैसा मैंने आपको बताया फिक्स कर देना है फर्स्ट रो मतलब R1 R1 किस टेबल के लिए, एरिया टेबल के लिए, सो एरिया परसेंट रो टाइप एंड R2 पर्सन टेबल के लिए, सो परसेंट रो टाइप। देन स्टेप नंबर वन कंप्लीट हो गया, कर्सर हमने डिक्लेयर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया कर्सर को क्या करना है, ओपन करना है। इसके लिए ओपन C1, पहले एक क्लोज C1 लिख लेना है, अदरवाइज सिली मिस्टेक हो जाता है। इसमें एक लूप लगाना है, वन बाय वन हमको रो रिट्रीव करना है यहाँ से, सो लूप एंड लूप, लूप के आगे में कोई भी सेमी कमा नहीं, और फिर वन बाय वन रिट्रीव करना है फर्स्ट कर्सर से R1 में स्टोर करना है। ऐसा कब तक करना है, जब तक नॉट फाउंड नहीं होता तब तक। कर्सर का फॉर्मेट समझ में आ रहा है। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही R1 में ये फर्स्ट रो अभी आ गए, जैसे पुणे इन अर्बन आ गए, पहले हम लोग यहाँ पर मैच कर लेते हैं अर्बन है क्या, अगर ये अर्बन होगा तभी हम लोग सेकेंड कर्सर ओपन करेंगे, अदरवाइज सेकेंड कर्सर ओपन नहीं करने वाले। यहाँ पर कॉलम का नेम क्या लिखा, एरिया अंडरस्कोर टाइप, सो R1 डॉट एरिया अंडरस्कोर टाइप, सो इफ R1 डॉट एरिया अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू 2 टाइम सिंगल कोट, अगर अर्बन होता है देन, पहले ही एनडीएफ लिख लेना है अदरवाइज सिली मिस्टेक होती है। अगर फर्स्ट कर्सर से जो भी आपने रिट्रीव किया उसका टाइप अगर अर्बन होता है तब हम सेकेंड कर्सर को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इस बार कर्सर कंडीशनल है, फर्स्ट कर्सर कंडीशनल नहीं बट सेकेंड कर्सर क्या है, कंडीशनल है। सो अगर कंडीशन अगर ट्रू होती है तब हम लोग सेकेंड कर्सर क्या करेंगे, ओपन करेंगे। सिली मिस्टेक ना हो इसके लिए पहले ही क्या करना है, क्लोज लिख के रखना है। इसको भी वन बाय वन हमको इटरेट करना है, इसके लिए लूप एंड एंड लूप। देन यहाँ से भी हम क्या करेंगे, डेटा रिट्रीव करेंगे, फेच C2 किस में स्टोर करना है, R2 में। कब तक करना है, एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड। दोनों कर्सर एज इट इज वैसा ही है बट फर्स्ट कर्सर के कंडीशन के ऊपर में हम लोग सेकंड कर्सर क्या करेंगे, ओपन करेंगे। सो अभी हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पुणे एंड अर्बन आ गया एंड यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, वन अजर बर्थ डेट इनकम एंड पुणे, मतलब R2.aname एंड R1.aname हमको क्या करना है, मैच करना है, जो कि मैच होने वाला है। यहाँ पर फिर इफ R1.aname equals to R2.aname then, अगर ये मैच अगर हो जाता है, पहले एनडीएफ लिख लेना है सिली मिस्टेक ना हो इसके लिए। अगर ये मैच अगर हो जाता है हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे दिस नोटिस। क्या क्या प्रिंट करना अभी बोलो, अगर सब कुछ अगर प्रिंट करना है, एरिया नेम एरिया टाइप सब कुछ तो भी चलेगा, जैसे परसेंट परसेंट हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पर्सन का नेम, पर्सन का नेम एरिया नेम और एरिया टाइप प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर R1 डॉट सॉरी ए नेम, हाँ R1 से हमें R1 में ए नेम है, R1 में ए नेम है, R1 में ए टाइप है, सो R1 डॉट ए नेम प्रिंट कर लेते हैं एंड R1 डॉट एरिया अंडरस्कोर टाइप प्रिंट कर लेते हैं एंड पर्सन का नेम हमको कहाँ से मिलेगा, R2 से मिलने वाला है, सो R2 डॉट पी नेम प्रिंट कर लेते हैं और फिर साइड बाय साइड काउंटिंग भी कर लेना है, जिसको हमको टास्क कंप्लीट होने के बाद में रिटर्न करना है, ठीक है। सो लूप के अंदर में लूप लगाए, नेस्टेड लूप हमने क्रिएट किया है।
यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट रो पुणे अर्बन, पुणे अर्बन सबके साथ में मैच करना है, जिसके साथ भी मैच होता रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। फिर वैसे ही सेकेंड रो यहाँ पर आ जाएगी, सेकेंड रो में एरिया टाइप तो रूरल है तो सेकेंड कर्सर अभी हम ओपन नहीं करेंगे। थर्ड रो यहाँ पर मुंबई एंड अर्बन आ गए, फिर से हम लोग पर्सन टेबल के लिए कर्सर ओपन करने वाले हैं, जिसके साथ भी मुंबई मैच होगा उसको हम लोग क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। फिर इसके बाद में फोर्थ रो यहाँ से क्या मिलेगी, रूरल मैच नहीं करना है। फिफ्थ रो रूरल मैच नहीं करना है। सिक्स नंबर रो में नागपुर एंड अर्बन, फिर से हम लोग सिक्स रो के लिए क्या करना है सेकेंड टेबल के लिए कर्सर क्रिएट करना है, वन बाय वन हर रो को रिट्रीव करने वाले, जिसके साथ भी नागपुर मैच अगर हो जाएगा हम लोग उसको क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। सो एरिया वाइज हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे डेटा प्रिंट करने वाले। सो देखते हैं आंसर क्या आएगा। चलिए इसको क्या करना है, कॉपी करना है। क्या असली मिस्टेक होगा यहाँ पर, काउंटर इज नॉट अ नोन वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है यहाँ पर, काउंटर इंट स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है जीरो, कॉपी पेस्ट। ओके चलो अभी देखते हैं एरिया वाइज नेम आता है क्या, एंड अर्बन के ही नेम आने चाहिए। सिलेक्ट प्रिंट एरिया वाइज, प्रिंट एरिया वाइज, देखो यहाँ पर एरिया वाइज सब डेटा प्रिंट हो गए और जो अर्बन है सी वही डेटा प्रिंट हुआ है। पहले पुणे आ गए, फिर मुंबई आ गए, फिर नागपुर और उसके बाद में नासिक। सो एरिया वाइज हमने क्या क्या डेटा प्रिंट किया है। सो कर्सर कब यूज़ करना चाहिए इसका कुछ आपको आइडिया आ गया, जब हम लोग रो को वन बाय वन रिट्रीव करते हैं और फिर उसके ऊपर में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब हमको कर्सर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट भी आपको बता देता हूँ। जैसा कि हमने क्वेरी क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एरिया और फिर वन बाय वन हम रो रिट्रीव करते हैं और फिर यहाँ पर मैच करते हैं अर्बन है क्या, अगर अर्बन होगा तब हम सेकंड कर्सर के पास में जाते हैं। सो हम लोग यहाँ पर पहले से ही ऐसा ही क्वेरी रन करेंगे जिसमें सिर्फ अर्बन के डिटेल्स आएंगे, तब हमको फिर से इफ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एरिया वेयर एरिया अंडरस्कोर टाइप, अगर मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही अगर मैंने लिख दिया अर्बन, इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर रूरल वाले डेटा ही नहीं आएंगे। अगर रूरल वाले डेटा ही नहीं आएंगे तब हमको यहाँ पर इफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने यहाँ पर जो इफ़ लिखा है इस इफ़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं, ये इफ़ डिलीट कर देना है। इफ डिलीट किया तो उसका एंड इफ भी क्या करना है, डिलीट करना है। सो इस बार जैसे आप कर्सर को फेच करोगे आपको पहले पुणे मिलेगा, फिर मुंबई मिलेगा, फिर नागपुर मिलेगा, फिर नासिक मिलेगा। पुणे को सेकंड कर्सर के साथ में मैच करना है, मुंबई को मैच करना है, नागपुर को मैच करना है, नासिक को मैच करना है। इसको भी रन करके देख लेते हैं, अगर यहाँ पर पहले ही वेयर लगा दिया तो यहाँ पर एक इफ कम हो जाएगा। कॉपी एंड पेस्ट, इससे भी वही आंसर आएगा। सिलेक्ट एरिया वाइज, प्रिंट एरिया वाइज, आगे सेम आंसर। वैसे और भी बहुत सारे शॉर्टकट हैं। पैरामीटराइज कर्सर भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। पैरामीटराइज कर्सर में देखो हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट टेबल के लिए अभी फर्स्ट इस एरिया रिजल्ट के लिए मैंने वहाँ पर इफ को हटा के क्या लगा दिया, वेयर क्लॉज लगा दिया, वैसे ही सेकंड में भी हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसा करेंगे, यहाँ भी हम लोग वेयर क्लॉज लगा देंगे। फर्स्ट टेबल का आंसर, देखो फर्स्ट टेबल का आंसर, फर्स्ट टेबल से हमें क्या मिलने वाला है, एरिया नेम एंड एरिया टाइप तो मिलने ही वाला है। हम लोग इसका एरिया नेम सेकंड कर्सर को क्या करेंगे इनपुट देंगे। देखो पहले हम लोग क्या कर रहे थे उससे क्या डिसएडवांटेज हो रहा था, जैसा कि पुणे आ गए हमें हर रो के साथ में पुणे 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 यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, सबके साथ में मैच करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर ए नेम इक्वल्स टू पुणे, सो यहाँ से कितने रोज मिलेंगे, टू रोज ही मिलने वाले,
तो दोनों रो को हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, सबके साथ में वन बाय वन मैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर मान लो अगर मुंबई अगर आता है तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर ए नेम इक्वल्स टू मुंबई, तो फिर जो मुंबई के रिकॉर्ड्स है वही रिकॉर्ड्स हमको क्या करना है, प्रिंट करना है, कुछ मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फर्स्ट कर्सर का इनपुट सेकेंड कर्सर को हम लोग क्या करेंगे देने वाले हैं, मतलब फर्स्ट कर्सर से हमें जो भी आंसर मिलेगा, इस फर्स्ट कर्सर से जो भी हमको आंसर मिलता है उसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सेकेंड कर्सर को प्रोवाइड कर देंगे, इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कर्सर। हम यहाँ पर एक एरिया नेम प्रोवाइड करेंगे, टेम्प्ररी कोई भी वेरिएबल लिख लो, सपोज एक्स, ठीक है। ऑब्वियसली उसका डेटा टाइप क्या रहने वाला है, वैरकेर रहने वाला है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर ए नेम इक्वल्स टू एक्स, मतलब आप जो भी इसको प्रोवाइड करोगे, अगर आपने यहाँ पर पुणे अगर पास किया, सेकेंड कर्सर को अगर आपने पुणे पास किया, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर ए नेम इक्वल्स टू पुणे। अगर आपने इसको मुंबई अगर पास किया, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर ए नेम इक्वल्स टू मुंबई, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, देखो सेकेंड कर्सर, देखो फर्स्ट कर्सर से आपने जो भी फेच किया है उसी को क्या करना है, सेकेंड कर्सर को पास करना है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना है, यहाँ पर आर वन डॉट ए नेम हम क्या करेंगे पास कर देंगे। फर्स्ट कर्सर से अगर मान लो पुणे अगर आता है, सो कर्सर अभी किसके लिए काम करेगा, पुणे के लिए काम करने वाला है, सो पुणे के थ्रू वो क्या करेगा, डेटा रिट्रीव करेगा, और ये इफ़ क्लॉज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये उसका फ़ायदा है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमको सिर्फ पुणे ही मिलने वाला है अभी। सो फर्स्ट कर्सर से पुणे मिलेगा, पुणे रिलेटेड ही हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर ए नेम इक्वल्स टू पुणे, उसी के डिटेल्स क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। एज इट इज फिर से लूप इटरेट होगा, इस बार हमें कर्सर से क्या मिलेगा, मान लो मुंबई मिलता है, तो हम कर्सर किसके लिए ओपन करने वाले हैं, मुंबई के लिए ही हम लोग ओपन करने वाले हैं, मतलब हमारा ये क्वेरी क्या बन जाएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर ए नेम इक्वल्स टू मुंबई, और सिर्फ मुंबई के डिटेल्स हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे प्रिंट करेंगे। एज इट इज थर्ड टाइम हमें कर्सर से, फर्स्ट कर्सर से क्या मिलने वाला है, नागपुर, सो हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर ए नेम इक्वल्स टू नागपुर, और नागपुर के डिटेल्स हम लोग लूप वाइज क्या करेंगे प्रिंट करेंगे, कोई इफ कंडीशन यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए यहाँ पर पहले क्या लगाना पड़ेगा, वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा। तो इससे कर्सर से जो हम लोग मल्टीपल टाइम्स मैच कर रहे थे उतना टाइम हमारा सेव हो जाएगा। रन करके देखते चलो, कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट प्रिंट एरिया वाइज, वन सेकेंड, आगे सेम आंसर पुणे मुंबई नागपुर एंड नासिक। तो मैंने आपको एक ही प्रोग्राम तीन तरीके से बताया, सबसे पहले मैंने दोनों में इफ इफ लगा के रखा था, वो सबसे पहले बेसिक टेक्निक है, फिर मैंने आउटर कर्सर मतलब एरिया कर्सर का इफ को मैंने वेयर से रिप्लेस कर दिया था, और फिर इनर कर्सर जिसको हमने पैरामीटराइज कर्सर में कन्वर्ट किया, और फिर इनर कर्सर का इफ को भी मैंने क्या किया, वेयर से रिप्लेस कर दिया। फर्स्ट कर्सर का आउटपुट ही सेकेंड कर्सर का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा, तो सेकेंड कर्सर मस्ट बी अ पैरामीटराइज कर्सर, सो इसे एडवांटेज रहेगा, ये फास्ट चलेगा। चलो आपको इसी टेबल में और एक एग्जांपल बता दो, सेम थ्री वे से हम लोग क्या करेंगे टाइप करने वाले, पहले दोनों कर्सर के लिए हम लोग इफ लगाने वाले हैं, फिर पहले वाले कर्सर के इफ को वेयर से रिप्लेस करेंगे, फिर सेकंड वाले कर्सर के इफ को वेयर से रिप्लेस करेंगे। इस बार क्या करना है देखो, जो भी अर्बन एरिया में पर्सन आपको मिलेगा, उस अर्बन एरिया के पर्सन का इनकम हम लोग 10% से इंक्रीज कर देंगे, मतलब जैसा इसके पहले एम्प्लॉय टेबल में हमने कमीशन कैलकुलेट किया था और टोटल कैलकुलेट किया था, सेपरेट कॉलम में डेटा स्टोर किया था, इस बार सेपरेट कॉलम में डेटा स्टोर नहीं करेंगे,
इस इनकम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 30,000 है, 30,000 का 10% हो गया 3,000, सो 30,000 प्लस 3,000 33,000, इसी में हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। एज इट इज अर्बन एरिया ही हम लोगों को लेना है, और अर्बन एरिया के पर्सन का इनकम हमको क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। सब कुछ वैसा ही चलेगा, पहले हमने प्रिंटिंग किया था, बट इस बार प्रिंटिंग नहीं करना है, उस पर्टिकुलर पर्सन का डेटा क्या करना है, अपडेट करना है। देखते कैसे करेंगे। demo8.sql ले लेते हैं। अगेन थ्री टेक्निक्स हम लोगों को करना है, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। इस बार मैं नेम लिखता हूँ अपडेट, अपडेट पर्सन कर देते हैं, रिटर्न्स इंट एज लैंग्वेज PLPGSQL, डिक्लेयर बिगिन। देखो इस क्वेरी के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एरिया, इस क्वेरी के लिए पहले कर्सर क्रिएट करना है, C1 कर्सर फॉर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एरिया। सेकेंड क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, C2 कर्सर फॉर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। फर्स्ट कर्सर से रो रिट्रीव करेंगे, उसके लिए मैंने लिखा है R1, एरिया टेबल का रो रहेगा, सो एरिया परसेंट और रो टाइप। सेकेंड रो पर्सन टेबल से रिट्रीव करेंगे, इसलिए पर्सन परसेंट और रो टाइप। काउंटर एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, स्टार्टिंग में काउंटर का वैल्यू क्या रहेगा, 0। एंड इस बार इंक्रीज करना है, इनकम इंक्रीज करना है, इसके लिए एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेता हूँ INC, न्यूमेरिक। चलो स्टेप नंबर 1 हो गए, कर्सर हमने डिक्लेयर कर दिया, अभी ओपन कर लेते हैं। ओपन फर्स्ट कर्सर दैट इज रिलेटेड टू एरिया, सिली मिस्टेक नाउ, इसके लिए पहले ही क्लोज C1। वन बाय वन हर रो को रिट्रीव करना है, इसके लिए लूप एंड एंड लूप। फर्स्ट कर्सर से डेटा फेच करना है एंड रो 1 में स्टोर करना है, जैसे ही वहां पर कोई भी रो नहीं मिलेगी कर्सर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, देन एंड अर्बन एरिया के ऊपर में ही काम करना है। जो भी डेटा R1 में आएगा हम लोग इमीजिएटली R1 का एरिया अंडरस्कोर टाइप मैच करेंगे, क्या होना चाहिए, अर्बन। अगर ये अर्बन होता है, पहले ही एनडीएफ लगा लेना है, अगर ये अर्बन होता है तभी हमको क्या करना है, सेकंड क्वेरी का कर्सर इसको ओपन करना है, ओपन सेकंड कर्सर, पहले ही क्लोज करके रखना है। इसमें से भी वन बाय वन रो रिट्रीव करने, इसके लिए लूप लगाना पड़ेगा। सेकेंड कर्सर का डेटा फेच करते हैं, फेच C2 इंटू R2, एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, देन फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि फर्स्ट रो से क्या, फर्स्ट कर्सर से हमें क्या मिलेगा, पुणे एंड अर्बन, यहाँ पर से क्या मिलेगा, फर्स्ट रो में पुणे मिल जाता है, दोनों को मैच करना पड़ेगा। इफ R1.aname इक्वल्स टू R2.aname, पुणे पुणे मैच हो जाएगा, देन पहले एनडीएफ लगा लेता हूँ यहाँ पर, क्या करना है इस बार, अगर डेटा मैच अगर हो जाता है तब हम इनकम से 10% पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। INC इक्वल्स टू इनकम कॉलम कहाँ पर मिलेगा, R1 में नहीं मिलने वाला, R2 में मिलेगा, R2.income, R2.income, इसका 10% हमने कैलकुलेट कर लिया। देन कैलकुलेट करने के बाद में हमको क्या करना है, उसको अपडेट करना है। अपडेट किस टेबल को अपडेट करना है, पर्सन टेबल को अपडेट करना, अपडेट पर्सन सेट इनकम इक्वल्स टू, इस बार इनकम इक्वल्स टू क्या करेंगे, जो भी आपके प्रीवियस इनकम है प्लस जो भी आपने कैलकुलेट किया है, इनकम इक्वल्स टू इनकम प्लस INC टेम्पररी वेरिएबल।
मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30,000 प्लस 10% उसका हो गया 3,000, 33,000 इनकम यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे। कहाँ पर करना है, जहाँ पर करंट कर्सर होगा वहाँ पर, वेयर करंट ऑफ, करंट ऑफ आपका सेकंड कर्सर जहाँ पर होगा वहीं पर हमको अपडेट करना है। सो करंट ऑफ C2 कर देना है, साइड बाय साइड काउंटिंग कर देना है, सब कुछ वैसा ही है। बस यहाँ पर अरेज नोटिस, हमने पिछले एग्जांपल में रेज नोटिस किया था, इस बार जिसके साथ डेटा मैच होगा उसका इनकम हम लोग क्या कर रहे हैं, 10% से इंक्रीज कर रहे हैं। सो पुणे यहाँ पर आके, पुणे जिसके साथ मैच होगा, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, जिसके साथ पुणे मैच होगा उसके इनकम हम लोग क्या करेंगे, 10% से इंक्रीज कर देंगे। फिर इसके बाद में सेकेंड रो आएगा, बट वहाँ पर रूरल मिलेगा, हम लोग नहीं करने वाले हैं, कर्सर ओपन नहीं करना है। थर्ड में क्या आएगा, मुंबई एंड अर्बन, अगर अर्बन मिलता है मुंबई रिलेटेड, अभी हम इस कर्सर को ओपन करेंगे, जहाँ भी मुंबई आपको मिलेगी उसका इनकम हम लोग क्या करेंगे, 10% इंक्रीज करेंगे। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, फिर चाकन रूरल एरिया है, वहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फिर रूरल मिलेगा, फिर कुछ नहीं करना है। फिर हमको क्या मिलेगा, नागपुर अर्बन एरिया, अगेन नागपुर के लिए कर्सर ओपन करना है, वन बाय वन रिट्रीव करना है और इनकम 10% से इंक्रीज करना है। क्लियर है, दोनों में मैंने क्या लगा के रखा, इफ। पहले इसको रन करके देखते हैं, कॉपी, रिटर्न काउंटर, फिर से लिखना भूल गए हम लोग, रिटर्न काउंटर, काउंटर इंक्रीमेंट किया है, काउंटर डिक्लेयर भी किया है, कॉपी एंड पेस्ट, हो गया फंक्शन क्रिएट। पहले आपको ओल्ड टेबल दिखा देता हूँ, अभी क्या करना है, सिलेक्ट हमारे फंक्शन का नेम क्या है, अपडेट पर्सन, अपडेट पर्सन, देखते क्या होगा। 8 रोज अपडेट हो गई, जहाँ भी पुणे मुंबई नागपुर नासिक मिलेगा उसका आंसर हम लोग देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। देखो यहाँ पर पुणे, यहाँ पर कितना हो गया, 30,000 कितना था, 30,000। सो पुणे अभी कितना हो गया, 33,000 हो गया। और फिर सेकंड पुणे में कितना मिला था हमें, 40,000, तो 40,000 बिकम्स 44,000। अच्छा पुणे मुंबई नागपुर नासिक इसके डेटा क्या हो गए, अपडेट हो गए। बाकी चाकन जो भी रूरल एरिया थे उसके डेटा एज इट इज वैसे ही, चाकन का पहले भी 25,000 था यहाँ पर, तो देखो वही 25,000 आ गया। क्लियर। अब इसी को ही मैंने जैसे बोला, 3 वेज से हम लोग कर सकते हैं। हम सबसे पहले आउटर कर्सर का इफ डिलीट कर देते हैं, आउटर कर्सर का अगर इफ डिलीट करना है तो एरिया टाइप अर्बन ये मैच करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एरिया वेयर एरिया टाइप इक्वल्स टू अर्बन, हम ये पहले ही लिख लेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एरिया वेयर एरिया अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू अर्बन, ये हम पहले ही लिख लेते हैं, तो फिर ये इफ लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से ये इफ हम क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं, देन और पहले इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। सेम आंसर आना चाहिए, सेम आंसर नहीं आएगा, इस बार हम दोबारा सेम टास्क करेंगे। अभी अभी हमने अपडेट किया है, इसमें फिर से और 10-10% क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, ये लास्ट के 8 रोज में फिर से 10-10% इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम फिर से रन करने वाले सेम कोड, कॉपी एंड पेस्ट, सिलेक्ट अपडेट पर्सन, अपडेट पर्सन, देखो फिर से 8 रोज अपडेट हो गई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, देखो वापस यहाँ पर पहले 33,000 लिखा था, 33,000 का 10% 3,300 हो गया, टोटल 36,300 आ गया। तो पुणे मुंबई नागपुर नासिक सब कुछ अपडेट हो गया, बाकी ये एज इट इज चाकन देखो पहले भी 25,000, अभी भी वही, रूरल एरिया के डेटा चेंजेस नहीं होने वाले। सो इफ को वेयर क्लॉज से कैसे रिप्लेस किया समझ में। अब इनर कर्सर को, अभी मैं इनर कर्सर के इफ को वेयर के साथ में रिप्लेस करना है, इसके लिए
सेकंड कर्सर को पैरामीटराइज कर्सर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट कर्सर का आउटपुट, फर्स्ट कर्सर से मुझे क्या मिलेगा, एरिया नेम मिलेगा, उसी एरिया नेम को इसके इनपुट को प्रोवाइड करना है। सो टेम्पररी एजम्पशन करना है, यहाँ से मुझे एक एरिया मिलेगा, उसका डेटा टाइप वेर कह रहे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेर ए नेम इक्वल्स टू ए। अगर फर्स्ट कर्सर ने यहाँ पर आंसर दिया पुणे, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेर ए नेम इक्वल्स टू पुणे। सो पुणे रिलेटेड ही डेटा हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सो यहाँ पर फेथ सी वन इंटू आर वन, इससे अगर हमें पुणे मिलता है, यहाँ पर फर्स्ट रो का एरिया नेम, फर्स्ट कर्सर से जो भी रो मिलेगी, सपोज पुणे अगर मिलता रहेगा, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेर ए नेम इक्वल टू पुणे, फिर ये इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इफ हम डिलीट कर देते हैं। इफ नहीं लिखा तो इसका एंड इफ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही। फेथ सी वन इंटू आर वन, इसमें से मिलेगा सपोज पुणे, पुणे रिलेटेड जितने भी पर्सन होंगे हम उनको इंक्रीज करेंगे एज इट इज़। फिर क्या मिलेगा यहाँ से, मुंबई, सिर्फ अर्बन एरिया ही आने वाले, हमने पहले कर्सर में अर्बन लिख के रखा है, क्या मिलेगा मुंबई, मुंबई हम सेकंड कर्सर को पास करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेर ए नेम इक्वल्स टू मुंबई। सो मुंबई के पर्सन का डेटा हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे एज इट इज़। थर्ड क्या मिलेगा, नागपुर, हम लोग सेकंड कर्सर को नागपुर पास करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेर ए नेम इक्वल्स टू नागपुर, नागपुर के डेटा हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे एज इट इज़। कॉपी एंड पेस्ट करके देख लेते हैं। सिलेक्ट अपडेट पर्सन, फिर से एट रोज अपडेट हो गई, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। देखो वापस, पहले यहाँ पर कितना लिखा था, 36,000 समथिंग लिखा था, 36,300, इसका 10% यहाँ पर इंक्रीज करके न्यू कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आंसर यहाँ पर आ गया। देन बाकी चाकन, अंबेगांव, जो भी रूरल एरिया थे, बाकी के सबको एज इट इज वैसे ही है। अभी हम लोग मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का एग्जांपल लेते हैं और उसमें कैसा कर्सर क्रिएट करेंगे देखते हैं। मैंने ये एक एग्जांपल लिया है जिसमें स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट के बीच में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। डायग्राम ड्रॉ करके हम लोग देख लेते हैं एक बार। एक स्टूडेंट का टेबल है और एक सब्जेक्ट का टेबल है। एक स्टूडेंट कितने भी सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकता है और एक सब्जेक्ट में कितने भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। जब दोनों साइड से मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है तब हमको एक थर्ड टेबल क्रिएट करना पड़ता है फॉर रिलेशनशिप टेबल। इसका नेम मैंने लिखा है स्टूड सब। बोथ साइड से क्या है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। एग्जांपल में देखो, यहाँ पर स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर है, नेम है एंड कोर्स है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का कोड एंड सब्जेक्ट का नेम है। दोनों टेबल का प्राइमरी की थर्ड टेबल में एज ए फॉरेन की आने वाली है। सो यहाँ पर मैंने लिखा है रोल नंबर एंड सब्जेक्ट कोड, ये दोनों मिला के एक प्राइमरी की बन गई है। यहाँ पर इसका प्राइमरी की है रोल नंबर, सब्जेक्ट का प्राइमरी की है सब्जेक्ट कोड। सो अभी मुझे क्या करना है, स्टूडेंट टेबल में जिसका कोर्स का नेम BCS रहेगा उसी स्टूडेंट के सब्जेक्ट का नेम प्रिंट करना है। फिर से बोलता हूँ, BCS के जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे, उन लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट में एडमिशन लिया रहेगा, मुझे सिर्फ उन्हीं के नेम क्या करना है, प्रिंट करना है। स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट के डिटेल्स क्या करना है, प्रिंट करना है। कोर्स का नेम क्या लिया हम लोगों ने, BCS एग्जाम्पल के लिए। सो क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पर BCS में कितने रिकॉर्ड्स मिलने वाले हैं आपको, दो रिकॉर्ड्स मिलेंगे, 444 एंड 111। पहले 444 के लिए मैच करके देखते हैं। अब 444 ने यहाँ पर देखो, 444 ने तीन नंबर सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है एंड चार नंबर में एडमिशन लिया है।
ये 3 और 4 का आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको PL SQL जावा। मतलब सबसे पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, सबसे पहले 444 उसका नेम है 4 times A, BCS में एडमिशन लिया है और उसने PL SQL एंड जावा सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है एज इट इज। सेकेंड अभी क्या मिलेगा, 111, 111 कहाँ पर मैच होता है, देखो 111 यहाँ पर मैच हो जाएगा, 111 यहाँ पर, ये फर्स्ट 3 रोज में मैच हो जाएंगे। 111 ने सब्जेक्ट नंबर 1, 2 और 3 के ऊपर में एडमिशन लिया, तो सब्जेक्ट नंबर 1, 2 और 3 इसके लिए सी प्रोग्रामिंग एसक्यूएल एंड PL SQL, तो यहाँ पर 333 उसका नेम, सॉरी 111 111 इसका नेम है ABCD, ये भी BCS में एडमिशन लिया है, उससे क्या क्या मैच होने वाले हैं, 1, 2, 3 मतलब सी प्रोग्रामिंग मैच हो जाएगा, SQL मैच हो जाएगा एंड PL SQL मैच हो जाएगा, ये रिजल्ट हम लोगों को चाहिए। तो यहाँ पर कर्सर के थ्रू देखो हम क्या क्या करेंगे, टोटल 3 टेबल है हमारे पास में, सो 3 कर्सर हमको क्रिएट करना पड़ेगा एंड 3 रोज हम लोग क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला कर्सर SELECT*FROM*STUDENT इस क्वेरी के लिए हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, सपोज इसका नेम मैंने लिखा है C1 एंड सेकेंड कर्सर स्टूड सब टेबल के लिए क्रिएट करेंगे, इसके लिए कर्सर है C2 एंड थर्ड टेबल दैट इज सब्जेक्ट इसके लिए कर्सर रहेगा C3 एंड 1 by 1 हम सब में से क्या करेंगे, रो रिट्रीव करने वाले, इसीलिए कर्सर यूज़ किया है। सो यहाँ से सबसे पहले एक रो हम रिट्रीव करेंगे, फर्स्ट रो हम लोग सबसे पहले रिट्रीव करेंगे यहाँ पर, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक R1, इसमें क्या मिलेगा, रोल नंबर, नेम एंड कोर्स। सेकेंड कर्सर से अगर हमने रो रिट्रीव किया, सेकेंड कर्सर के लिए हम लोग क्रिएट करने वाले R2, यहाँ पर क्या मिलेगा, रोल एंड सब्जेक्ट कोड मिलने वाला है एंड थर्ड टेबल इसके लिए एक रो हमने क्रिएट किया R3, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट का कोड, सब कोड एंड सब्जेक्ट का नेम मिलने वाला है। एग्जांपल लेते हैं, चलो चलो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट रो एग्जांपल में मैंने लिया 444 A and BCS, R1 के अंदर में आ गए। अगर कोर्स का नेम अगर BCS होता है, मतलब यहाँ पर एक कंडीशन लगाने वाले हैं, अगर कोर्स का नेम अगर BCS होता है तब हम लोग सेकेंड कर्सर ओपन करने वाले हैं। सेकेंड कर्सर ओपन करके यहाँ पर रोल नंबर क्या है, 444, सो 1 by 1 लूप वाइज सबको क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे। 444 जिसके साथ भी मैच अगर हो जाएगा, सपोज 444 यहाँ पर मैच हो गया, इसको हम रिट्रीव करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 444 सब्जेक्ट का कोड क्या मिलेगा, 3। इस 3 को लेके हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कर्सर के पास में जाने वाले हैं, यहाँ पर अभी कोई कंडीशन नहीं है। सो थर्ड रो के पास में, थर्ड टेबल के पास में जाएंगे और यहाँ पर 3 रिलेटेड जो भी आपको सब्जेक्ट नेम मिलेगा हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एज इट इज़। यहाँ पर 444 रिलेटेड और क्या मिलेगा आपको, 4 मिलने वाला है, मतलब 444 और 4, जब पहले इस रो को हम रिट्रीव करेंगे फिर इस रो को हम रिट्रीव करने वाले हैं, जिसके साथ भी ये 444 मैच होगा उसको 1 by 1 क्या करना है, रिट्रीव करते जाना है। जैसे ही आपको डेटा मिलेगा, सपोज 444 और 4 मिलेगा, इस 4 को लेके हम लोग थर्ड कर्सर ओपन करेंगे, 1 by 1 चेक करेंगे, जिसका भी सब्जेक्ट कोड 4 मिलेगा, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट कोड मिलेगा 4, तो आंसर हमको क्या प्रिंट करना है, CPP प्रिंट करना है। मतलब यहाँ पर अगर मैंने आंसर लिखा तो यहाँ पर 444 रोल नंबर से, 444 रोल नंबर से हमें क्या क्या सब्जेक्ट मिलेंगे, 444 रोल नंबर से हमें PL SQL मिलेगा एंड 444 रोल नंबर से हमें क्या मिलेगा, CPP मिलेगा, अगर सिर्फ रोल नंबर एंड सब्जेक्ट का नेम अगर प्रिंट किया। फिर से देखो और एक एग्जांपल इसी में ही, 444 के बाद में चलो सेकेंड रो अभी हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, सेकेंड रो इस बार क्या मिलेगा, यहाँ पर 111 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ABCD एंड कोर्स का नेम क्या, BCS। अगर कोर्स का नेम अगर BCS होता है तो इस 111 को लेके हम लोग फिर से इस कर्सर को क्या करेंगे, ओपन करने वाले हैं।
फिर से कर्सर ओपन करना है, वन बाय वन हर डेटा को क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे, जिसके साथ भी ये 111 मैच होता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट थ्री के साथ में मैच होने वाला है। सो 111 एंड 1, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, 111 एंड 1, इस वन को लेके हम थर्ड कर्सर के पास में जाएंगे, और वन से क्या मिलेगा हमको, सी प्रोग्रामिंग मिलेगा। तो यहाँ से वन के आगे में क्या मिलेगा, सी प्रोग्रामिंग। वैसे ही फिर 111 से क्या मिलेगा, मैच होगा टू, सो टू के लिए एसक्यूएल मिलेगा। 111 से मैच हो के थ्री, थ्री से क्या मिलेगा, PLSQL। सो 111 से हमें सी प्रोग्रामिंग, 111 से हमें SQL, एंड 111 से क्या मिलेगा, PLSQL, ये डेटा आ जाएगा। हम लोग स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट के नेम प्रिंट कर रहे हैं, और कौन से स्टूडेंट ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ BCS कोर्स में जिसने एडमिशन लिया है उसी के डिटेल्स हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एज इट इज। चलो फिर थर्ड रो अभी यहाँ पर लेते हैं। थर्ड रो क्या मिलेगा, 555, 4 times B एंड BBACA। बट हमने BBACA के लिए कुछ नहीं लिखा है, तो BBACA के लिए सेकंड कर्सर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेकंड कर्सर ओपन नहीं होगा तो थर्ड कर्सर भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। वन बाय वन हर रो को हम यहाँ पर रिट्रीव करने वाले हैं। जिस कोर्स का नेम BCS मिलेगा उसी के लिए हम सेकंड कर्सर ओपन करेंगे, और सेकंड कर्सर के बेसिस पे थर्ड कर्सर हम लोग ओपन करने वाले हैं। सो थर्ड कर्सर इज डिपेंडेंट ऑन सेकेंड कर्सर, एंड सेकेंड कर्सर डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट कर्सर। सो इस बार तीन कर्सर लेना पड़ेगा, थ्री रोज लेने पड़ेंगे, थ्री टाइम्स हमको लूप यूज करना पड़ेगा। थोड़ा लेंदी होगा, बट जैसा हमने पहले किया था एज इट इज वैसा ही रहेगा। देखते हैं चलो। रोल नेम कोर्स कॉलम का नेम याद रखना, रोल नेम कोर्स रोल सब कोड एंड सब कोड एंड सब नेम। स्टूडेंट टेबल लिखा है, सब्जेक्ट टेबल एंड स्टूड सब टेबल लिखा है। चलो डेमो 9 SQL, इसको भी वापस मैं तीन ऑप्शन से बताने वाला हूँ, ये लास्ट एग्जाम्पल है। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, प्रिंट सब्जेक्ट रिटर्न्स इंट एज, लैंग्वेज PLPG SQL, डिक्लेयर बिगिन एंड। चलो तीन कर्सर क्रिएट करना है। सबसे पहला कर्सर किसके लिए क्रिएट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्वेरी के लिए क्रिएट करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्वेरी के लिए क्रिएट करेंगे। सेकेंड कर्सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड सब के लिए क्रिएट करना है। एंड थर्ड कर्सर वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट के लिए करना है। डन। तीनों से एक एक रो हम लोग वन बाय वन रिट्रीव करने वाले हैं। सो R1 रिकॉर्ड लिखा तो भी चलेगा, या फिर मैंने बताया स्टूडेंट टेबल का रो रहेगा तो स्टूडेंट परसेंट टाइप, स्टूड सब टेबल का होगा तो स्टूड सब परसेंट टाइप, या फिर सब्जेक्ट टेबल के लिए सब्जेक्ट परसेंट रो टाइप। देन और एक एक्स्ट्रा काउंटर लेना है, इक्वल्स टू 0। अभी चलो सबसे पहले फर्स्ट कर्सर ओपन करते हैं। सिली मिस्टेक नाउ, इसके लिए पहले ही कर्सर क्लोज करके रखना है। देन लूप लगा लेते हैं, एंड लूप। चलो फर्स्ट कर्सर से पहले रो रिट्रीव करते हैं। यहाँ से फर्स्ट कर्सर से रो रिट्रीव करना है, इसके लिए क्या लिखना है, फेच C1 इनटू R1। एंड कब तक करना है, एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड। देन यहाँ पर पहले मैच करना है, अगर R1 डॉट कोर्स, इफ R1 डॉट कोर्स इक्वल्स टू, मैंने एग्जांपल के लिया BCS, देन एंड इफ पहले ही लगा लेना है। अगर फर्स्ट रो आपने जो भी रिट्रीव किया अगर BCS होता है तभी सेकंड कर्सर ओपन करना, अदरवाइज सेकंड कर्सर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड कर्सर के पास में जाते हैं यहाँ पर, एंड ओपन C2 करते हैं। पहले ही कर्सर क्या कर लेना है, क्लोज कर लेना है।
इसमें भी वन बाय वन सर्च करना है, इसके लिए लूप एंड एंड लूप लगेगा। डन। अब पहले जो भी कर्सर से हमने रो लिया है उसका रोल नंबर सेकंड कर्सर के रोल नंबर से मैच करना है। सो आर वन डॉट रोल एंड आर टू डॉट रोल को वन बाय वन रोल नंबर मैच करना है। जो भी रोल नंबर इसके साथ मैच होगा उसी के सब्जेक्ट कोड को लेके हम इसके पास में जाने वाले हैं। सो इफ आर वन डॉट रोल इक्वल्स टू आर टू डॉट रोल देन एंड इफ देन, सब कुछ वैसा ही है फॉर्मेट। देखो पहले हमने सेकेंड यहाँ पर फेच तो किया ही नहीं, पहले फेच कर दे फिर हम लोग कंडीशन लगाएंगे। सेकेंड कर्सर का डेटा पहले फेच करना है, फेच सी टू इंटू आर टू एग्जिट व्हेन नॉट फॉर्म। अभी देखो इफ आर वन डॉट रोल इक्वल्स टू आर टू डॉट रोल देन एंड इफ पहले ही लगा के रखते हैं। अगर ये मैच अगर हो जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कर्सर क्या करना है, ओपन करना है। ओपन सी थ्री, पहले क्या करके रखना है, क्लोज सी थ्री करेंगे। इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, एक लूप एंड लूप। इसमें भी वन बाय वन रो रिट्रीव करना है, इसके लिए फेच सी थ्री इंटू आर थ्री डन एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड। आगे अब ट्रिपल वन, अभी यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड है वही सब्जेक्ट कोड हमको यहाँ पर क्या करना है, मैच करना है, और जो भी आंसर मिलेगा हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। सो अभी इफ आर टू से जो भी आपको मिला रहेगा, आर टू से जो भी सब्जेक्ट कोड मिलेगा, आर टू डॉट सब कोड इक्वल टू आर थ्री डॉट सब कोड, अगर ये मैच अगर हो जाता है देन एंड इफ एंड फाइनली अभी यहाँ पर क्या करना है, प्रिंटिंग करना है। क्या क्या प्रिंटिंग करना है, रेज नोटिस, अगर आपको रोल नंबर नेम एंड रोल नंबर नेम एंड सब्जेक्ट नेम अगर प्रिंट करना है ओनली। सो यहाँ पर देखो रोल नंबर कहाँ से मिलेगा, आर वन से रोल नंबर मिलेगा, आर वन डॉट रोल एंड आर वन से नेम मिलेगा एंड आर थ्री से क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट का नेम मिलेगा, प्रिंट कर दिया। साइड बाय साइड क्या करना है, काउंटिंग अगर करना है तो काउंटिंग कर लेते हैं, और इसी काउंटर को क्या करना है, रिटर्न करना है टास्क कंप्लीट होने के बाद, रिटर्न काउंटर, काउंटर डिक्लेयर किया है, काउंटर रिटर्न करना है। सो इस बार तीन लेबल आ गए लूप के अंदर में। फर्स्ट कर्सर में हमने लूप लगा के रखा है यहाँ पर, इससे वन बाय वन रो हम रिट्रीव करेंगे। यहाँ पर अगर BCS अगर होता है तो इसके रोल नंबर R1 के रोल नंबर को सेकंड कर्सर के साथ में मैच करना है। अगर यहाँ पर रोल नंबर सेकंड कर्सर के साथ में अगर मैच अगर हो जाता है तब हम लोग इसके थ्रू थर्ड, अभी थर्ड कर्सर हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे और इसके सब्जेक्ट कोड को, सेकंड कर्सर के सब्जेक्ट कोड को थर्ड टेबल के, थर्ड कर्सर के सब्जेक्ट कोड के साथ में मैच करेंगे। अगर मैच अगर हो जाता है तो हम प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम प्रिंट नहीं करने वाले। क्लियर। पहले इफ 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 लगा के हमने किया है, फिर हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, रन करके देखते हैं। कॉपी एंड पेस्ट। देखो फंक्शन क्रिएट हो गए, फंक्शन का नेम क्या लिखा है, प्रिंट सब्जेक्ट, सिलेक्ट प्रिंट सब्जेक्ट। देखो हमने यहाँ पर जो आंसर लिखा है वही आंसर आ गया है। BCS में 444 एंड 111 दो ही स्टूडेंट थे, सो 444 के डिटेल्स आ गए, 111 के डिटेल्स आ गए, 444 के डिटेल्स हैं एंड 111 के डिटेल्स हैं। टोटल 5 रोज प्रिंट का, इसलिए साइड बाय साइड काउंटिंग किया था। अब इसी को ही जैसा मैंने पहले तीन ऑप्शन बताए, वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा था, यहीं पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इक्वल्स टू BCS, यहाँ पर पहले लिख देंगे। देन अगर आपको BCS
या फिर BBSE या फिर BCS साइंस, कोई भी एक कोर्स अगर होगा तो हम इसको एज एन इनपुट हम यहाँ पर पास कर सकते हैं, प्रिंट स्टूडेंट में ही हम लोग पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट को हम लोग कोर्स का नेम पास करेंगे, फंक्शन को हम लोग पैरामीटर पास कर सकते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल सी वेर केयर 20 लिखा है, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इक्वल्स टू सी, हम लोग यहाँ पर एक पैरामीटर पास करेंगे। कॉलिंग के टाइम में हम लोग पास करेंगे, BCS भी पास कर सकते हैं, BBSE या फिर BCS साइंस, जो भी आप यहाँ पर पास करोगे उसी के बेसिस पे ये कर्सर क्या होगा, ओपन होगा और अननेसेसरी अदर डेटा यहाँ पर नहीं आएंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ये इफ़ हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एक इफ़ चले गए, यहाँ से एक एंड इफ़ चले गए, डन। देखते हैं अभी, और इस बार फंक्शन कॉल करते समय एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पैरामीटर हमने चेंज किया, प्रीवियस फंक्शन पहले डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप फंक्शन, क्या लिखा है, प्रिंट सब्जेक्ट। चलो अभी कॉपी एंड पेस्ट, ओके, न्यू फंक्शन क्रिएट हो गए। चलो सिलेक्ट प्रिंट सब्जेक्ट, इस बार यहाँ से पास करेंगे हम लोग BCS, तो BCS के डिटेल्स आ गए। अगर आपको BBSE चाहिए तो आप BBSE पास करो, BBSE के आंसर्स आ गए, चेक करना है BBSE में कौन कौन है। BBSE में 555 and 333 है, सो 555 and 333 के डिटेल्स आए। 555 ने कहाँ पर एडमिशन लिया, 555 ने 2 नंबर में लिया है, 555, ये 3 555 के डिटेल्स हैं, 2, 4 and 1, सो 2, 4 and 1 SQL CPP एंड सी प्रोग्रामिंग, यहाँ पर SQL CPP एंड सी प्रोग्रामिंग आ गए। देन वैसे ही अगर BCA साइंस अगर लेना है, BCA साइंस के डिटेल्स आ जाएंगे। क्लियर है आप लोगों को? अगर आपने यहाँ पर ये सी का नेम अगर नहीं भी अगर लिखा है तो भी डिफॉल्ट नेम वहाँ पर $1, $2, $3 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर $1 लिखा तो भी चलेगा, देन सेम आंसर ही आने वाला है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कर्सर का इफ यहाँ से डिलीट करेंगे। इसके लिए सेकंड कर्सर को पैरामीटराइज कर्सर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कोई भी रोल नंबर आता है, सपोज 111, तो यहाँ पर सबके साथ में मैच करने की क्या जरूरत है, हम यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 111, तो उससे अननेसेसरी बाकी के रिकॉर्ड मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड सब वेर रोल इक्वल टू समथिंग, और वो समथिंग कहाँ से आने वाला है, फर्स्ट कर्सर के आउटपुट से मिलने वाला है, एक इंटीजर वेरिएबल हम यहाँ पर पास करेंगे। सब मैंने यहाँ पर लिखा x, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड सब वेर रोल नंबर इक्वल टू x, सो फर्स्ट कर्सर से आप जो भी रिकॉर्ड लोगे, इस बार क्या लेने वाले हम लोग, कोर्स का नेम सपोज BCS रहेगा, सो BCS के ही आंसर यहाँ पर आने वाले हैं, और उसके अंदर में जो भी आप रिकॉर्ड निकालोगे सपोज 111, तो यहाँ पर सेकेंड कर्सर को हम उसको क्या करेंगे, पास कर देंगे। यहाँ पर फर्स्ट कर्सर का डेटा r1.roll, मैं सेकेंड कर्सर को पास कर रहा हूँ, r1.roll यहाँ पर मैंने पास किया, तो सेकेंड कर्सर को मैंने क्या पास किया, r1.roll, वो क्या एक इंटीजर है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू, अगर आपने 111 पास किया रहेगा तो यहाँ पर 111 आएगा, 222 पास किया तो यहाँ पर 222 के डिटेल्स, 333 पास किया तो 333 के ही डिटेल्स आने वाले हैं। क्लियर है? इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें ये इफ कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सेकेंड इफ मैं अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सेकेंड इफ मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। सेकेंड कर्सर अब क्या बन गया, पैरामीटराइज कर्सर बन गया। फर्स्ट कर्सर का आउटपुट रोल नंबर ही सेकेंड कर्सर का इनपुट बन गया है। फर्स्ट कर्सर से r1.roll सेकेंड कर्सर को मैंने पास किया है, r1.roll सेकेंड कर्सर को पास किया है, उसका डेटा टाइप किया इंट, और उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पर डेटा रिट्रीव करेंगे। रन करके देखते हैं, सेम आंसर आना चाहिए। कॉपी पेस्ट, हमने अभी यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया, इसके लिए प्रीवियस फंक्शन पहले डिलीट करना पड़ेगा, ड्रॉप फंक्शन
प्रिंट सब्जेक्ट, और फिर से कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट हो गया फंक्शन क्रिएट। चलो अभी देखते हैं, सिलेक्ट प्रिंट सब्जेक्ट, सेम आंसर आना चाहिए। तो आगे सेम आंसर, ट्रिपल डबल ट्रिपल फोर के 2 आंसर, 111 के 3 आंसर, सब कुछ वही है। हमको फर्स्ट ऑप्शन को सेकंड ऑप्शन में कन्वर्ट करते आना चाहिए, द पैरामीटराइज कर्सर का एडवांटेज मालूम होना चाहिए, उससे कर्सर थोड़ा सा फास्ट चलेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इंट। अब रोल नंबर का डेटा टाइप इंट होता है ये तो हमको मालूम है, बट अगर इनकेस किसी ने अगर कोई दूसरा डेटा टाइप अगर लिखा होगा तब प्रॉब्लम आने के चांसेस है। तो कभी भी डेटा टाइप फिक्स नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, रोल नंबर पास करने वाले हैं, सेकंड कर्सर को हम रोल नंबर पास करने वाले हैं। रोल नंबर का डेटा टाइप यहाँ पर स्टूडेंट टेबल का जो भी रोल नंबर का टाइप होगा वही टाइप हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर इंट, यहाँ पर ऐसा इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल का परसेंट, स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर का जो भी टाइप होगा, स्टूडेंट डॉट रोल परसेंट टाइप, रोल परसेंट टाइप। सो अगर रोल नंबर का डेटा टाइप अगर इंट होता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंट आएगा, अगर वहां पर किसी ने वैरकर लिखा रहेगा तो वैरकर भी आ सकता है। सो यहाँ पर कभी भी डेटा टाइप फिक्स नहीं करना है। देखो इससे भी वही आंसर आएगा, कॉपी करके पेस्ट करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट प्रिंट सब्जेक्ट, चलो BBACA पास कर देते हैं, BBACA आ गया, BBACA का आंसर। चलो अभी थर्ड इफ को क्या करना है, पैरामीटराइज कर्सर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर एक वेयर का क्लॉज लगाने वाले हैं। देखो सेकंड कर्सर से अभी हमको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट का कोड मिलेगा। सो यहाँ पर हर सब्जेक्ट को जाके मैच करने की ज़रूरत है, यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट वेयर समथिंग, अगर यहाँ पर 4 लेगा तो वेयर सब्जेक्ट कोड इक्वल टू 4 ही लिखेंगे, तो सबके साथ में मैच करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड कर्सर का आउटपुट ही थर्ड कर्सर का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। तो थर्ड कर्सर भी हम लोग पैरामीटराइज कर्सर में कन्वर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट वेयर सब्जेक्ट कोड इक्वल टू समथिंग, दैट समथिंग विल कम फ्रॉम सेकंड कर्सर। यहाँ पर कर्सर को पैरामीटर लगाना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर y, सब्जेक्ट कोड क्या मिलने वाला, इंटीजर। मैंने अभी बताया इंटीजर डेटा टाइप फिक्स नहीं करना है, यहाँ पर स्टूड सब से हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट का कोड मिलने वाला है, उसका डेटा टाइप जो होगा वही डेटा टाइप हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। सो स्टूड सब टेबल में सब कोड का डेटा टाइप क्या है, इंट, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंट तो आने ही वाला है। सो डेटा टाइप कभी भी फिक्स नहीं करना है, सिंटेक्स कैसा रहता है, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम परसेंट टाइप। अभी देखो यहाँ पर सेकंड कर्सर, जैसा फर्स्ट कर्सर से रोल नंबर सेकंड कर्सर को आता है, सेकंड कर्सर से हमें क्या मिलेगा, सेकंड कर्सर से R2 डॉट सब कोड हम पास करेंगे, R2 डॉट सब कोड। सो सेकंड कर्सर के रोड से जो भी हमें सब्जेक्ट का कोड मिलेगा वही हम थर्ड कर्सर को पास करेंगे, इससे हमें फ़ायदा है, ये थर्ड इफ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये थर्ड इफ यहाँ से डिलीट कर दिया। सो यहाँ पर अगर आपने सब्जेक्ट का कोड अगर 4 पास किया है, सो थर्ड कर्सर सिर्फ 4 के लिए काम करेगा। यहाँ पर क्वेरी क्या बन जाएगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट वेयर सब्जेक्ट कोड इक्वल टू 4, दैट जो हमने यहाँ पर पास किया है, देखते हैं इसको रन करके, कॉपी हो गया फंक्शन क्रिएट, सेम आंसर आना चाहिए, सिलेक्ट प्रिंट सब्जेक्ट, चलो कोर्स का नेम में पास कर दो BCA साइंस, आ गया BCA साइंस का आंसर। तीनों ऑप्शन से सेम आंसर ही आने वाला है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर आपके कॉलेज में अगर आपको पैरामीटराइज कर्सर के बारे में अगर बताया होगा तब आप पैरामीटराइज कर्सर यूज़ करो, या फिर कन्वेंशनल वे आप यूज़ कर सकते हो,
सिंपल टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है सबको आप फेच करो, सबके लिए कर्सर हम लोग क्या करेंगे क्रिएट करके रखेंगे, एंड कंडीशन वाइज हम लोग क्या करेंगे मैच करेंगे, जिसके साथ डेटा मैच होता रहेगा हम उसी पर्टिकुलर डेटा को क्या करेंगे रिट्रीव करेंगे। रिट्रीव करने के बाद में अगर आपको प्रिंट करना है प्रिंट करो, अपडेट करना होगा अपडेट कर सकते हो, करंट कर्सर के पोजीशन वाइज आप अपडेट कर सकते हो, डिलीट करना होगा डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है।